अरे क्लास में क्या हुआ आज? बहुत खाली खाली दिख रहा है। दिवाली हॉलीडे स्टार्टेड, आप लोग क्या करो? आप लोग नहीं है? दिवाली की कब? नाइन्थ को। अच्छा वैसे आपके लिए अनाउंसमेंट है, 17th को हमारी एग्जाम है। 17th को अपनी एग्जाम है लॉ की, आई मीन टेस्ट रख रहा हूं टेस्ट। जो जो मैंने पढ़ा है, 4 चैप्टर्स 5 चैप्टर्स 17th दिवाली के छुट्टियों में पढ़ाई करके आना। आपके लिए अनाउंसमेंट है, ऑन 17th हमारी 17th रखो या 18th रखो? 17th या 18th? 18th को हमारी टेस्ट होगी। 18th को लॉ टेस्ट होगी और चैप्टर्स के नाम होंगे, मैं आपको बता रहा हूं, डिविडेंड, IOS और क्या पढ़ा मैंने आपको, अकाउंट्स, एक है फॉरेन कंपनी और अभी जो चल रहा है फेमा। इन चैप्टर्स के ऊपर आपका टेस्ट होगा, जिसके आप सभी जानते हैं इन चारों चैप्टर्स का हमने ऑलरेडी रिवाइज कर लिया है। आज और कल में फेमा खत्म जब होगा ना, तो साथ में मेरे रिवीजन भी हो जाएगी। ओके, सो याद रखिएगा, आप फोटो निकाल लीजिए इसका। 18th को आपकी टेस्ट होगी। वी आर गोइंग टू कंडक्ट टेस्ट ऑन 18th फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, लाइव स्ट्रीमिंग सबके लिए, इंक्लूडिंग फेस टू फेस सबके लिए पेपर आएगा। और कुछ ऐसे लोग होंगे जो 18th को भी वापस नहीं आ रहे, आप आ कब रहे हो? आने वाले भी हो क्या? नहीं, घर पे रह जाना है वापस, ठीक है फिर। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। फिर आप लोग में से कितने लोग, मतलब ऐसा कोई है जो वापस ही नहीं आ रहा? एक ग्रुप टू में भी इधर यार, कौन माउली? यू आर नॉट, कमाल कर रहे हो आप, आ जाना अकेले में, ठीक है। सो एवरीबडी इज गोइंग टू कम बैक, बट आप लोग आ कब रहे हो वापस? 20 तारीख को, मतलब मंडे के दिन आओगे आप? ऐसा कोई 16, कितने लोग 16 को आ जाएंगे वापस? वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइस। कितने लोग जा ही नहीं रहे, कहां रहोगे आप? इधर ही, यू गोना स्टे बैक हियर ओनली? मैं भी यही हूं, अपन दिवाली साथ में सेलिब्रेट करेंगे। गुरुकुल में आएगा मैं, उधर आ जाना। कितने लोग यहां रुक रहे दिवाली का, एक बार और बता दो। आप सभी लोग डोंट वरी, मैं आपके साथ हूं, ठीक है। मैं भी इधर ही, मैं नहीं जा रहा कहीं। हाँ 13th को दिवाली ना, आई विल बी हियर ओनली। मैं जो ये फेमा चैप्टर है ना, उसका प्रैक्टिकल यूसेज करने जा रहा हूं, ठीक है। दुबई, दुबई नहीं, हवाला नहीं कर रहा हूं, हवाला की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करेंगे। ओके दोस्तों, एनीवेज टोटल 5 किसने, कितनी टेस्ट अभी तक लॉ की हुई है? एक तो मान लो ये लॉ की टेस्ट नंबर 2 हो रही है आपके सामने। ओके, ये मेरे चैप्टर है जो मैंने आपको पढ़ा है, ठीक है ना। एक ही चैप्टर है इसके बाद में जो ऑडिट, जो मेरा पढ़ाना बाकी है, वो देखेंगे कैसे होगा। वो चैप्टर में कभी मैम पढ़ाते, कभी मैं पढ़ाता हूँ, तो ये 5 चैप्टर्स है। नहीं, वो तो LLP तो खैर मैम ही पढ़ाती है, और ऑडिट में हम दोनों में से कोई तो पढ़ाता। तो ये 5 चैप्टर्स आपके सामने है, इनकी टेस्ट होगी 50 मार्क के लिए, 1.5 घंटे की एग्जामिनेशन आप क्योंगे। आप दिवाली के लिए घर पे जाओगे, जरूर उन चार्ट्स को पढ़ लेना मेरे बच्चों। वो जो समरी नोट्स आपको इतनी प्यार से, क्या नहीं, क्यों नहीं पढ़ेंगे आप? पढ़ना पड़ेगा आपको। अरे दिवाली दिवाली है तो क्या हुआ, दिवाली में तो बहुत ज्यादा पढ़ाई होना चाहिए। इस टेस्ट के माध्यम से वजह से आप पढ़ के आ जाना। ओके, हाँ बोलो, क्या बोल रहा है भाई? कुछ बैकग्राउंड चेंज कर, कुछ अजीब सा लग रहा होगा। चार्ट बुक में आज चेक कर लेता हूं, शायद से कल मिल जाना चाहिए। चलो अब करते हैं, आज हम गलती हो गई, मैं आज चेक करता हूं, अगर हुई तो आज ही दे दूंगा। बोला ना, मैं आज चेक करता हूं, हुई तो, वो प्रिंट को गई थी, आई जस्ट हैव टू चेक, हुई क्या रेडी।
अरे आज रात को 12 बजे तक भिजवा देना, मतलब कहां पे भिजवाऊं मैं? हाँ जी जी, नाइन्थ को क्लास है क्या? मोस्टली है। अगर मैं आपको आपके फायदे, नाइन्थ को क्लास लूंगा ना, 17 को छुट्टी दूंगा। एक ही बात है आपको दोनों में से एक तो कभी भी करना ही है। चलो ठीक, अब एक काम करता, मैं पढ़ा लेता, ठीक है? ओके गाइस, कम ऑन, वेलकम बैक। आज दोस्तों आवाज मेरी बड़ी कर दो थोड़ी सी, दोस्तों। ओके लेट्स स्टार्ट नाउ गाइस, कम ऑन नाइन एवरीबॉडी। अभी मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूं दोस्तों। आपने कल एक कॉन्सेप्ट देखा था जिसका नाम है डेफिनेशन ऑफ, हमने फॉरेन कंपनी देखा, डेफिनेशन हमने पर्सन रेसिडेंट इंडिया देखा एंड पीआर वायर। अरे ध्यान दे दो अभी, चलो अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना? एक आपने पीआर आई देखा और एक आपने पीआर वाई देखा, बोलो देखा, बोलो पीआर आई का लॉन्ग मोहम्मद और पर्सन रेसिडेंट इंडिया। इसके लिए एक पहली कंडीशन फुलफिल होना चाहिए कि 182 डेज से क्या होना चाहिए, ज्यादा आपने कहां पे रहना चाहिए, ये याद है आपको? और साथ साथ में क्या होना चाहिए, साथ साथ में अगर वो इंडिया में आया है तो, इंडिया में अगर फिरंगी बंदा इंडिया में आया है तो एक तो बिजनेस के लिए आए या फिर जॉब के लिए आए या फिर अनसर्टेन पीरियड के लिए आए तो हम उसको भारतीय मानेंगे, यानी PRII मानेंगे। कहानी नंबर टू, अगर वो पिछले साल इन द प्रीवियस ईयर 182 डेज से ज्यादा इंडिया में था, यानी आप जैसे लोग थे ना पिछले साल, और इस साल आप इंडिया के बाहर जा रहे हो जॉब करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, या ऐसे जा रहे हो जैसे आएंगे ही नहीं, तो हम आपको PROI कहेंगे। यानी कि ये जो कंडीशन है ये तो लगेगी ही लगेगी, पर बीजेपी डिसाइड करेगा कि वो PRI है या PROI। ओके बताओ, इंडिया के बाहर जब मैं अब दुबई जा रहा हूं तो मेरे जाने की भी टिकट है, आने की भी टिकट ना, मैं बिजनेस करने के लिए जा रहा हूं ना मैं जॉब के लिए जा रहा हूं, और मैं जा रहा हूं डेफिनेट पीरियड के लिए कि आने का पूरा चांस है, तो मैं तो इधर का ही हूं, इसे टाइमिंग जाता, मैं PRII हो गया। पर अगर आप जैसे लोग अगर इंडिया के बाहर जाएंगे जॉब करने के लिए, धंधा करने के लिए, तो क्या कहेंगे आपको? आप हो जाएंगे PROI। कल हमने यहां पे देखा कि एक साल में भी आपके दो दो स्टेटस बदल सकते हैं। ये चिंटी हमसे बहसबाजी कर रही थी कल, उस बात को हम लोग वापस लेकर आते हैं कि एक साल में भी दो पार्ट हो सकते हैं। 30 जून तक भी आप अलग हो सकते हो, 1 जुलाई से आप अलग हो सकते हो। चलो कहानी को वापस से दोहराते, अगर आप इंडिया के अंदर थे इतने दिन और आप इंडिया में आए ये करने के लिए बीजेपी, चलो अब चीजों को चेंज कर लेते हैं, आप फिरंगी हो, आप इंडिया में आए हो इस साल प्रीवियस ईयर में 182 डेज, आप इंडिया में इस साल बीजेपी कर रहे हो ना, इंडिया में बीजेपी कर रहे हो, पर आपने बीजेपी किया केवल अप टू 30 सितंबर तक किया बीजेपी, हाँ तो बताओ क्या? तो अब 30 सितंबर तक आप यहां पे इंडिया में धंधा कर रहे थे, अप्रैल में धंधा किया, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि आप अप्रैल से सितंबर तक यहां पे कर रहे थे बी, और आफ्टर कब, आफ्टर 30 सितंबर आप यू वेंट बैक, कहां पे गए आप चले गए इंडिया से बाहर, अब आप बी नहीं कर रहे हो इंडिया में, ना जे कर रहे हो ना बी, यहां पे इंडिया में बीजेपी कुछ नहीं कर रहे हो। आप बताएंगे ये स्टेटस क्या है, PRII बराबर कह रहे हो, और ये सर ओके, क्योंकि अब की बार आप इंडिया से बाहर चले गए हो, आप बोल रहे इंडिया मुझे पसंद नहीं है, मेरे रास ना है, मैं जा रहा हूं चाइना, मैं वापस दोबारा कभी नहीं आएगा, तो आप बन जाओगे PROI। ऐसा क्लियर है एवरीवन? एक साल में भी आपके दो दो स्टेटस हो सकते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपके सामने आया हूं, एक केस स्टडी जो कल के क्वेश्चन नंबर 3 बाकी था।
आज मैं आपको बहुत ऊपर ले जाऊंगा। कितना ऊपर बेटा, देखो इलस्ट्रेशन नंबर 3, छेड़ो मत, इज्जत से पढ़ो, कितना ऊपर ले जाएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 3, एवरीबॉडी पेज नंबर, बेटा एक काम कर दे, एग्जाम भी मैं ही देता हूं, 2.11 2.11 एवरीवन कम ऑन कॉन्सेंट्रेट, 2.11 पे आप लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा है यहां पे, टॉई लिमिटेड, क्या बोल रहे हैं, टॉई लिमिटेड इज अ जैपनीज कंपनी हैविंग सेवरल बिजनेस यूनिट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छी बात है, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ व्यापार है। अच्छा एक बात पूछे आपसे, अगर कोई वो इंसान नहीं है, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो आप बताओ उस केस में उसको कब मानेंगे वो PRII है। कल हमने 3 बातें बताई दी आपको, क्या तुम्हें याद है, तुम्हें तो वैसे कुछ याद नहीं है, 3 बातें आप याद कर लो। उसमें 3 बातें थी, अगर कोई कंपनी इंडिया में ही रजिस्टर्ड है, जैसे एग्जांपल रिलायंस, वो तो इंडिया की है तो इंडिया की, पर कोई मान लीजिए इंडिया का कोई ब्रांच, एग्जांपल इंफोसिस का ब्रांच स्विट्जरलैंड में है, इंफोसिस का ब्रांच स्विट्जरलैंड में है, और वो स्विट्जरलैंड की जो ब्रांच है वो वही करती जो इंडिया के लोग कहते हैं, कंट्रोल्ड एंड ऑन्ड बाय इंडियंस, तो उसको क्या मानेंगे। अगर इसको PRII नहीं मानते ना, तो लोग क्या करते हैं, जानबूझ के ऐसे छोटे छोटे बच्चे इंडिया के बाहर पैदा करते हैं और उसके थ्रू सब काम चलाते हैं। मतलब जो भी गंदा काम करना होता है ये फॉरेन एक्सचेंज का, तो हेडक्वार्टर नहीं कर रहा है, वो ब्रांच के द्वारा करवा रहा है। तो बोले तू अगर PRII है और तेरे कंट्रोल में वो है, तो तेरा बेबी जो इंडिया के बाहर है ना, वो भी PR, भले ही वो विदेशी है, फिरंगी बच्चा है, फिर भी उसके ऊपर, क्योंकि तेरा कंट्रोल उसके ऊपर है। वरना अगर वो PRII के दायरे में नहीं आता, तो यहाँ पे जो हेडक्वार्टर होता वो उसके द्वारा ही सब, समझ रहे, फॉरेन एक्सचेंज का गंदा काम करता, ब्लैक में उसके थ्रू काम करता, इसलिए उसको भी क्या मानेंगे, PRII। और सोचो अगर मान लीजिए वो है, माइक्रोसॉफ्ट है, जिसका पुणे में एक ब्रांच है, विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, तो PRII है, इंडिया में है ना और तुम्हारे कंट्रोल में है ना, तो अगर मान लीजिए इसको छूट देते तो क्या करेगा, अगर इसको PRII नहीं बनाए तो वीमा लगेगा नहीं, ये तो इंडिया को लूट लूट के इंडिया से बाहर पैसा लेके जाए डॉलर में। तो हमारे लॉ मेकर आप भी होते तो आप बराबर PRII करते ना, वरना अगर इसको PRII में नहीं लेंगे ना, तो ये तो फिर तो बेशुमार पैसा इंडिया से बाहर ले जाएंगे, बोलेगे मैं जो फेमा एप्लीकेबल है नहीं, मैं तो कुछ भी करूंगा, मैंने कमाया, मैं ऐसा नहीं होगा। अगर आपने इंडिया में पैसे कमाए हैं तो आप वैसे ही चेक करोगे जैसे कि फेमा कर, देखो पैसे कमाए आपने, प्रॉब्लम नहीं, आप पैसे कमाओ इंडिया में, इंडिया में लगाओ और स्पेंड करो, इंडिया में बिल्डिंगें बनाओ, अब कोई रोक टोक नहीं है। पर आप जब यहां से पैसा इंडिया के बाहर ले जाओगे तो हमें बहुत दर्द है, हमारा दर्द वहां से स्टार्ट होता है जब वेन फंड्स आर मूविंग फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया। इसीलिए उसको भी फेमा के दायरे में लेके उसको बोलेंगे ले जा पैसे, पर उतने ही ले जाना जितना हम कह रहे हैं, उससे ज्यादा आप नहीं ले जा सकते। सर ओके एवरीवन, चलो आगे यहां पे पढ़ते हैं। ये जैपनीज कंपनी है, उनके सेवरल बिजनेस यूनिट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड है, कोई बात नहीं, अभी तक कोई मतलब नहीं। इट हैज अ रोबोटिक यूनिट विद इट्स हेडक्वार्टर मुंबई में हेडक्वार्टर है उनका, एंड हैज अ ब्रांच इन सिंगापुर में उनकी ब्रांच हेडक्वार्टर्स एट मुंबई कंट्रोल्स द सिंगापुर ब्रांच। मतलब हमारे इंडिया का जो हेडक्वार्टर है, अच्छा था इंडिया का हेडक्वार्टर है, उसका क्या स्टेटस है इंडिया में, तो उसको तो पहले को अच्छे मिलेंगे, मैं तो इंडिया में है ना, खत्म है, तरह तरह गेम ओवर। आगे अब इंडिया में बैठ के आप सिंगापुर को कंट्रोल करते हो, तो सिंगापुर वाली क्या हो गई, वो भी आई क्यों, जब उसके ऊपर ऐसी चीज का कंट्रोल है। सोचो क्वेश्चन बदल जाता और कहते जैपनीज का कंट्रोल सिंगापुर पे है, तो अपना कोई संबंध नहीं है, वो बोलेगा गेट लॉस, मेरा क्या लेना देना है, मैं जब बैठक मैं कौन हूं जैपनीज, मेरे कंट्रोल में कौन है सिंगापुर वाले, तो इंडिया वाला नोटिस भेजा फेमा में तुमने क्या किया, भाई मेरा कोई लेना देना है आपसे क्या, मैंने आपको, ओ भाई साहब मेरा कुछ है आपसे लेना देना, हाँ आप क्या हुआ, कहानी थोड़ी चेंज हो गई, ट्विस्ट हो गई, उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया मुंबई में, तो वो मुंबई वाला क्या हो गया PRII, वो कंट्रोल कर रहा सिंगापुर को तो वो भी हो गया PRII, तो दोनों भी हो गए PRII। इज इट ओके, देखो आंसर वही होगा, यहां पे लिखा है सिंगापुर ब्रांच भी PRII है और जो इसका हेडक्वार्टर इन मुंबई है वो भी PRII है। ओके आगे बढ़ेंगे,
आज बड़े स्मार्ट हो गए आप। नहीं नहीं कल आप हौले से कर रहे थे क्योंकि कल पहली पहली बार हो रहा था आपके साथ। जब भी पहली बार होता है तो इंसान हौले से करता है। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मैंने आपको कल भी कहा था मैं और एक क्वेश्चन लूंगा आपको समझ में आने लगेगा। व्हाट एक्सपीरियंस हो रहा है। आलिया भट्ट इज एन एयर होस्टेस। ओके एयर होस्टेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या हवाई सुंदरी? हवाई सुंदरी है आलिया यहां पे विद ब्रिटिश एयरवेज। फिरंगी है और शी फ्लाइज हवा में उड़ती है फॉर 12 दिन इन अ मंथ। हवा में उड़ती 12 दिनों के लिए, देर आफ्टर 18 दिनों का ब्रेक। अच्छा धंधा है इनका। 12 दिन उड़ती है 18 दिन ब्रेक लेती है। क्या आप भी बनना चाहेंगे? लड़के नहीं बन सकते एयर होस्टेस तो नहीं। उसको क्या बोलते हैं लड़कों वालों को? नहीं उसका कुछ अलग नाम है। ए पायलट। छोड़ो आगे बढ़े। ड्यूरिंग द ब्रेक वो जब 18 दिनों के लिए जब जमीन पर रहती है शी इज अकोमोडेटेड इन अ बेस व्हिच इज नॉर्मली द सिटी वेयर द एयरलाइन इज हेडक्वार्टर। हाउएवर फॉर सिक्योरिटी कंसिडरेशन शी वॉज बेस्ड एट मुंबई। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर शी वॉज अकोमोडेटेड एट मुंबई फॉर मोर देन 182 डेज। अरे सुनो जरा इज्जत दो यारो। व्हाट वुड बी हर? आपको समझा नहीं। वो पहली कंडीशन फुलफिल कर रही है। प्रीवियस ईयर में 182 डेज से ज्यादा थी पर क्या वो इंडिया में जॉब करने आई थी? क्या इंडिया में धंधा करने आई थी? वो तो मजबूरी में इंडिया में रह रही थी और उसके जाने के टिकट भी थे। वो पी भी नहीं थी, बी भी नहीं थी, जे भी नहीं थी, तो उसका स्टेटस पीआर वाई हो जाएगा। एयर होस्टेस जब से सोचा आपको समझा ही नहीं आगे क्या बोल रहे हैं। उसके आगे दिमाग चलाए वो एयर होस्टेस सब ठीक है पर क्या वो इंडिया में बी करने आई थी? क्या जे करने आई थी? क्या पी करने आई थी? वो बीजेपी में से कुछ नहीं कर रही है तो क्या करेगी वो? ए वॉट सी करेगी क्या रे? नया कंडीशन लाया इसने दोस्तों। ना वो बी करेगी ना कर रही बी, ना कर रही जे, ना कर रही पी। वो तो जा रही है वापस। अगर वो काश ऐसा होती वो इंडिया में बिजनेस करने आती एयर होस्टेस और धंधा तो करेगी नहीं। जे क्यों हंसे आप? कोई इसको स्पष्ट करेंगे? मैं मुस्कुरा रहा हूं। एक मिनट मैं कसम से कह रहा हूं आप ऐसा आप नॉटी बनते इसलिए मुझे हंसी आती है। मतलब मैं छिछोरा हूं। एक मिनट मैं आपकी कसम मैं छिछोरा नहीं हूं पर यहां पे कुछ कुछ नॉटी लोग बैठे ही हैं। वो मेरे पास ऐसे बोलते हैं मुझे इशारे करना बंद करो। आपको समझ में आया ना वो चीज वो आपके पास रखो। आप नहीं जानते लोग कैसे कैसे इशारे करते मेरे को फिर मुझे हंसी आ जाती। तो दोस्तों वो यहाँ पे धंधा कर रही है ना वो इंडिया में जॉब करने। सर वो तो जॉब नहीं करने आई थी वो मजबूरी से इंडिया में रह रही थी क्योंकि उसको उड़ना था वापस। क्या होता है फ्लाइट आती ना वैसे तुरंत जैसे मान लो वेडनेसडे फ्लाइट आई उसको सैटरडे वापस जाना है तो फिर वेडनेसडे रात कहाँ रुकेगी? सर मुझे पूछ लिया होता वेडनेसडे रात कहाँ रुकेगी? थर्सडे कहाँ जाती? तो क्या करते हैं वहां पे जैसे एग्जाम्पल देता हूं मैं एयर इंडिया के सारे लोग होटल जिंजर में रुकते हैं। अब एयर इंडिया किसकी है? टाटा की है। जिंजर किसकी है? टाटा की है। तो वो क्या करते हैं बाकी एयर होस्टेस जब भी आती है एयर इंडिया से वो जिस जगह पे भी फ्लाइट आती है मान लो बैंगलोर से पुणे में अब एक दिन बाद उनको वापस से यहां से दिल्ली जाना है तो एक दिन कहीं तो रुकेगी। गुरुकुल में रुका दे आप जगह नहीं आपको चलेगा? हम जगह दे देंगे एडजस्ट कर लेंगे। अरे मेरे बच्चे नहीं कितने नेक बच्चे हैं ना। घर पे बोलूं पापा को क्या बोल रहा है? इसके लिए एडजस्ट कर लेंगे। शी विल बी कंसिडर्ड एज क्या लिखा है यहां पे?
पर्सन रेसिडेंट शी विल क्या लिखा है यहाँ पे, नहीं ऊपर पढ़ लेना, शी कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी व्हाट पर्सन, वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। इफ हाउएवर शी हैज बीन एम्प्लॉयड इन मुंबई ब्रांच, तो उसका जे का, देखो अगर वो 182 डे से ज्यादा है ये संतुष्ट पॉइंट हो गया, तो बीजेपी संतुष्ट करना पड़ेगा उसमें तीनों में से एक। तो बोले अगर मान लो उसका जो एम्प्लॉयमेंट ही मुंबई में होता तो हम उसको PRII मान ले, पर इस समय जो कहानी दिखी है उसका एम्प्लॉयमेंट इंडिया में नहीं है, इसलिए वो PRO आगे बढ़ेंगे। दोस्तों कल हमने सेक्शन नंबर 3 देखा था, यू रिमेंबर व्हाट इज सेक्शन नंबर 3? अरे बच्चों राज इसको, मैंने आपको कल वो पढ़ाया था कि आपको कुछ भी बाई करना है या सेल करना है फॉरेन एक्सचेंज में, इट हैज टू बी डन थ्रू, चलो मैं आपको डॉलर, आप मुझे डॉलर में फीस दे रहे हो, मैं एक्सेप्ट भी कर रहा हूं, तो हमारी चोरी पकड़े जाएगी, हम ऐसा नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ। अगर मान लीजिए कोई बंदा है जो फिरंगी है, क्या उसके बिहाफ पे आप रेंट कलेक्ट कर सकते हो? अरे बोल रहे भी नहीं आप, आप देखो कैसे इशारे ये लोग करते हैं। Did I say anything? आप बताओ, मैं नहीं हूं, मैं चिचोरा नहीं, ये कर देखो क्यों असर ये है, और मुझे सबकी आवाज सुनाई देती है, ये देखो ये सब चिचोरे सारे लौंडे एक साथ बैठ गए आज, तुम तो यहां बैठते ना रे सारे चिचोरो, और ये बच्चा बहुत नॉटी हो रहा है, ये ध्यान से देखिए कैसे कर रहे दोनों, ये जो कर रहे हैं आपस में, क्या इसको हम लोग अलाउड करेंगे? नहीं, इनको जो भी करना है आपस में इट हैज टू बी डन थ्रू AP। सर वो कैटरीना को अगर कुछ डॉलर, मान लो जी सलमान खान फॉरेन से आए होंगे, कुछ नोट्स बच गए होंगे डॉलर की, तो करीना कैटरीना तू रख ले अपने पास, ऐसा बोल सकता है? नहीं, प्यार मोहब्बत में 100-200 डॉलर दे दिए, नहीं दे। अब ये कोई भी PRY, मान लीजिए इंडिया के बाहर से कोई अभी वर्ल्ड कप खेलने कोई प्लेयर आ गया, मान लो ABD आ गया, और विराट कोहली है, विराट थोड़ा डॉलर दे दे, विराट आप दोनों खास दोस्त है, विराट बोल रहा है मैं तुझे रुपीस दे सकता हूँ, डॉलर नहीं, बोले थोड़ा डॉलर दे दे, मुझे डॉलर चाहिए। अब क्या हो रहा है, विराट कोहली दे रहा है ABD को डॉलर्स, $500, अलाउड नॉट अलाउड? नॉट अलाउड, डायरेक्टली नहीं दे सकते, आपको देना है, आप क्या करेंगे रुपीस देंगे, AP के पास जाएगा, AP से डॉलर लेंगे और डॉलर उसको देंगे, इज दैट ओके एवरीवन? आगे ये क्या लिखा है, मान लीजिए यहां पे क्रिस गेल इंडिया में आया और उसने शुक्रवार पेट में अभी देखो मैं शुक्रवार पे पहुंचते ही आगे पहुंच जाते, मैंने कुछ आप बताओ कुछ अल्फाज बोला मैंने, वो आया शुक्रवार पेट में, मैंने इतना ही बोला था, इन्होंने अगला पूरा कंप्लीट कर दिया, क्या बोला अब तुम मत खुजली करो, क्या बोला, शुक्रवार पेट में आए और उन्होंने इस पेट में कुछ फ्लैट खरीदे और फ्लैट किराए पर दिए, कौन? क्रिस गेल। क्रिस गेल कहां से है? अब वो यहां पे, वो PROI है, अब वो यहां पे तो रहता नहीं है, वो चले गए वापस वेस्ट इंडीज। अब उन्होंने क्या करा, रोहित शर्मा को बोला एक काम करो मेरे बिहाफ में आप इधर आके रेंट कलेक्ट कर लो, क्या वो कलेक्ट कर सकते हैं? इट हैज टू बी डन थ्रू, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। और आगे, अब सलमान खान को कोई प्रॉपर्टी लेना है, वो दुबई की है, वो शाहरुख खान से ले रहे, बैठे हैं इंडिया में, अरे इंडिया में बैठे बैठे सौदा हो रहा है ऐसी प्रॉपर्टी का जो इंडिया के बाहर की है, वो बंगलो लेना चाहता है, उसके पैसे वो भले ही रुपीज में दे रहा हो शाहरुख खान को, फिर भी अलाउड नहीं है, बिकॉज प्रॉपर्टी कहां की है, बिकॉज इन इट वॉज बॉट बाय शाहरुख खान, इट वॉज इन डॉलर्स, तो फिर इसका भी ट्रांजेक्शन, ये था सेक्शन नंबर 3। ओके, यहां पे लिखा है ओनली ट्रांजेक्शन शुड हैपन ओनली थ्रू AP, इतना देवर सेक्शन नंबर 3। अभी तक के दो चीजें इंपॉर्टेंट पढ़ी आपने, एक तो डेफिनेशन ऑफ PRII और दूसरा पढ़ा डील होना चाहिए किसके द्वारा। देखो ये जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं ना, मैं साथ ही साथ रिवाइज करा के ले रहा हूं, क्योंकि मैं कल जब चैप्टर फिनिश करूंगा तो मुझे ऐसा फील होना चाहिए मैंने पढ़ा भी दिया और रिवाइज भी करा दिया, ठीक है ना? ओके,
मुझे बताओ मैंने क्या पढ़ा अब तक, इसके पहले क्या पढ़ा, PRII का डेफिनेशन, उसमें से स्ट्रॉन्ग चांसेस में से एक क्वेश्चन आएगा, वो जो है ना डेफिनेशन PRII है क्या, वो आए उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, वेरी ब्राइट पॉसिबिलिटी. ओके, दूसरी बात सेक्शन नंबर 3 कोई भी डील करना है किसके थ्रू होगी, ये खत्म. अब हम लोग ने उसके बारे में पढ़ा था, आप सेक्शन नंबर 4 के बारे में कल पढ़े थे, आपको याद है नहीं याद है, क्या पढ़ा था सेक्शन नंबर 4 में, सेक्शन नंबर 4 ये ऑलरेडी हमारा पढ़ के हो गया है, क्या आपको याद है, बोलो ना, ऊपर गया. ओके, यहां पे लिखा है होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्या बोलना है इसका, क्या मैं फॉरेन करेंसी को होल्ड कर सकता हूं, क्या क्या मैं अपने घर के तिजोरी में डॉलर भर सकता हूं, पाउंड रख सकता हूं, क्या मैं कोई भी फिरंगी की करेंसी रख सकता हूं, आई एम नॉट अलाउड टू होल्ड. आपके पास पैसे पड़े हैं डॉलर्स में, आप जाइए उनके पास दे दो, उसके बदले में INR लेके अपने तिजोरी में रख दो. ओके, इतना ही नहीं, आप कोई भी अगर फॉरेन के डॉलर्स नहीं रख सकते तो फॉरेन की प्रॉपर्टी भी नहीं रख सकते. हाँ, अब वैसे मैं प्रॉपर्टी ले लो तो ले लेंगे, पर वहां पे लिखा है कुछ एक्सेप्शन दी हुई, देखो एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड कुछ एक्सेप्शन दिए, उसके अलावा आप कोई भी भारतीय इंसान यानी PRI ना होल्ड कर सकता है, ना ओन कर सकता है, ना पजेस कर सकता है, किसको, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स, मेटा के शेयर्स, एप्पल के शेयर्स, आप जानते हो फॉरेन करेंसी के शेयर्स, फॉरेन सिक्योरिटी समझता है, जितने विदेशी कंपनी है उनके शेयर्स, और क्या लिखा है, एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी. बोलते सर मेरे पास तो आज है माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स है, उन्होंने क्या किया है कुछ एक्सेप्शन दिए, इतने तक रख सकते हैं, पहले क्या बोला आप नहीं रख सकते, फिर क्या बोला नहीं रख सकते हैं पर, तो वो अपन बाद में अकेले में पढ़ेंगे कि वो अभी आपको दिया नहीं, बहुत लिख के आपको इतना ही बोला है आप होल्ड नहीं कर सकते हो, पर उतना ही होल्ड कर सकते हैं जितना एक्सेप्शन में लिखा हुआ. अब वो क्या एक्सेप्शन है उसकी गहराई उन्होंने दी नहीं है. अगर आपको बता दें फेमो चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा, पर आपकी सुविधा के लिए उन्होंने इंटर में उसको कट मार के दिया हुआ है, तो इश्यू फाइनल में अब वो बचा हुआ है भी क्या नहीं, पर इट इज रियली वेरी बिग चैप्टर, बट आपकी सुविधा के लिए उन्होंने थोड़ा सा इसको कट करके दिया हुआ है. ओके, आगे बढ़ेंगे, मैं पढ़ू, ये क्या लग रहा है, इफ एन इंडियन रिसीव्स बैंक बैलेंस ऑफ डॉलर 10,000 फ्रॉम हिज अंकल इन लंडन, आपको मिले $10,000 आपके चाचा जी से, आपके कोई चाचा रहते लंडन में ऐसे पैसे भेजते आपको, द इंडियन रेसिडेंट cannot होल्ड, कैन होल्ड और cannot होल्ड, याद रखना है एग्जामिनेशन में केस स्टडी आ सकती है. यहां पे जितने भी एग्जाम्पल लिए जाते हैं वो ICAI ने दिए हुए हैं, और ऐसे एग्जाम्पल जब क्लास में डिस्कस हो रहे हैं और ICAI के मॉड्यूल से है, तो ICAI के मॉड्यूल की एग्जामिनेशन में इज्जत बहुत है, पेपर पूरा जो होता है मॉड्यूल रख के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, और इस बुक में मॉड्यूल का एक भी शब्द डिलीटेड नहीं है, इट इज कंप्लीट कॉपी पेस्ट ऑफ मॉड्यूल एज इफ यू आर रीडिंग द मॉड्यूल. आप ही सोचो अगर आप भी पेपर निकालते ICAI का तो आप भी मॉड्यूल से निकालते, क्योंकि मॉड्यूल इज द बाइबल, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, उसका कोई कट शॉर्ट नहीं हो सकता, इसलिए हमने एग्जाम्पल को एक भी कट नहीं करा यहां पे सारे एग्जाम्पल. अब सेक्शन नंबर 5, अभी तक आपने 3 बातें पढ़ी, बताओ कौन सी, PRII वो आई हो गया, उसके बाद में आपने पढ़ा सेक्शन नंबर 3 हर कोई ट्रांजेक्शन AP के थ्रू डील होगा, एंड नंबर 4 में लगा यू कैन नॉट होल्ड, ना फॉरेन सिक्योरिटी होल्ड कर सकते हैं, ना प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं, ना फॉरेन करेंसी, हाउएवर देयर आर सम एक्सेप्शंस टू इट. ओके, आप पढ़ेंगे सेक्शन, इसमें भी कुछ हमने देखा था. अभी दो बातें याद रख लियो, जो जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं उसको करंट अकाउंट, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा डेफिनेशन कह रहे, इसीलिए हम लोग को इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको कुछ तो डेफिनेशंस दी हुई है, उन डेफिनेशंस में आपको मैं एक बार चेक कर लेता हूं. यहां पे लिखा है देखो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन दिख रहा है, देखो यहां दिख रहा है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, हाँ, और उसका लिखा है 2.4 दिख रहा है क्या आपको, ये जरा देखिए करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस मीन ट्रांजैक्शन अदर देन, क्या लिखा है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन,
जो कैपिटल, बड़ा सरल डेफिनेशन है, जो कैपिटल नहीं वो करंट है। अरे बोलो यार, जो कैपिटल नहीं वो, पर अपने को जानना पड़ेगा कैपिटल क्या होता है, तो जानेंगे पहले इसके बाद में। तो क्या बोल रहा है, एंड विदाउट प्रिजुडाइज जनरलिटी ऑफ द फॉरेन सेल्स ट्रांजैक्शन इंक्लूड्स इंक्लूड्स, यानी कि जो कैपिटल नहीं वो तो करंट है ही, पर ये निम्नलिखित चार पॉइंट भी करंट है, इसको भी हमने कल आपके बुक से पढ़ा था, यानी कि ये डुप्लीकेट चीज है जो आपके बुक में लिखी है, ये यहां पे भी लिखी है और सेम टू सेम सेक्शन नंबर 5 में भी चार बातें लिखी है, चार बातें लिखी है ना। आप देखो हम लोग सेक्शन 5 में भी कल पढ़ा था हमने, वहां से देख लेंगे सेक्शन नंबर 5। देखो दिख रहा है क्या? अरे चैप्टर एकदम सिंपल है, डोंट वरी, आपको एकदम अच्छे से आपके दिमाग में पूरा घुसेड़ देंगे। देखो यहां दिख रहा है आपको करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, वो क्या बोल रहा है, अंडरलाइन द वर्ड, जो कैपिटल नहीं होता वो करंट होता, बट उसके साथ साथ में कुछ चीजें और ऐसी इंक्लूडेड है, ये चार चीजें भी लिखा नहीं। ये डेफिनेशन रेस्ट्रिक्टिव है क्या एक्सटेंसिव है? इंक्लूड्स, यानी कि इसका दायरा और बढ़ा दिया, ये भी है और ये भी है, क्या क्या है और बताओ। पेमेंट इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड अदर सर्विसेज सच एज शॉर्ट टर्म बैंकिंग, सुनो जरा, अगर मान लीजिए हमने कोई प्रिंटिंग मशीन ली इंडिया के पास है और वो हमें उधार पे मिली 3 महीने के, क्या लिखा मिला यहां पे, शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी। मैंने चाइना से कोई मशीन लाया तो मशीन बाय करना क्या हो गया, कैपिटल अकाउंट। फिर आप तो बोलेंगे कैपिटल अकाउंट है, पर वो बोलते हैं चाकर भी कैपिटल नहीं, ये करंट है, क्योंकि अरे यार इन्होंने लॉ बनाने वाले कुछ सोच के बनाया होगा, वो बोल रहे कि अगर आपका पैसा उधार पे शॉर्ट टर्म के लिए मिला, शॉर्ट टर्म यानी 3 महीने 4 महीने 8 महीने 10 महीने, शॉर्ट टर्म 1 साल से कम को शॉर्ट टर्म कहते हैं। तो अगर आपको कोई मशीन उधारी में मिली होंगी तो आप उसको क्या कहेंगे, इंडिया में क्या बोलते, मशीन लाया ना, मशीन लाया ना, तो असेट में डाल, असेट क्या होगा, अकाउंट्स में और इनकम टैक्स में ये कैपिटल अकाउंट है, पर फेमा में ये करंट है, इतना दिमाग में डाल दो इसके ऊपर। इसलिए उन्होंने नीचे जाके क्वेश्चन पूछा था कि स्टडी 4 पढ़ो। सर आपने ऑलरेडी जो कल पढ़ाया था मैं वापस से जितना पढ़ाया पूरा पढ़ा दिया आपको, क्यों, क्योंकि ये चैप्टर को एक आपके उसमें लाना जरूरी है। अच्छा अब आपको लग रहा, अच्छा मुझे आ रहा है कुछ, ओके जरा देखो, एन इंडियन रेसिडेंट इंपोर्ट्स मशीनरी फ्रॉम वेंडर यूके फॉर इंस्टॉलिंग इस फैक्ट्री ऑन क्रेडिट पीरियड ऑफ, क्रेडिट पीरियड ऑफ, क्रेडिट पीरियड ऑफ, क्रेडिट पीरियड ऑफ, बस आगे मत पढ़ना, बस छोड़ दीजिएगा। बताओ ये कौन सी मशीन है, करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट? वास्तविक जीवन में कैपिटल अकाउंट है, बट वो उन्होंने ऊपर एक्सेप्शन में दिया है ना, वो फेमा के, वो लिखना although it is a capital capital account from the perspective of income tax and accounts, however it has to be considered as a current account transaction as per the definition 5 of FEMA. ऐसा आपको लिखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आपने लिख के देखो, यहाँ पे लिख दिया कि वो क्या माने उसको, import of machinery क्या लिखा है। चलो बताओ, आपने, आप महाराष्ट्र में हो, राजस्थान से आपने एक मशीन लाई, क्या उसको करंट मानू या कैपिटल? फेमा के एंगल से, फेमा वो ना करंट है ना कैपिटल है, क्या कोई फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व हुआ क्या, तो काय को बोल रहे फिर आप, आप समझे मैं क्या बोल रहा, वो कुछ नहीं है, मतलब इसके ऊपर फेमा की नजर, इट विल नॉट बी अंडर द स्कोप ऑफ फेमा, यानी कि फेमा को उससे कोई, फेमा बोलेगा भारत के कोई भी राज्य से किसी पे भी कुछ भी ट्रांजेक्शन हो रहा, फेमा को उससे मतलब नहीं है। पर जब भी आपके संबंध इंडिया के लोगों के बाहर से आते हैं, चाहे आप इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, कुछ भी ऐसा हो रहा है जिसके वजह से कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, तो मैं आपको कैपिटल अकाउंट का डेफिनेशन बताऊंगा, सेक्सी डेफिनेशन है वो बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको मजा आएगा। एक बार सिर्फ इतना पढ़ लेता हूं मैं, हाँ, तो जो कैपिटल नहीं वो करंट अकाउंट है, पर ये करंट नहीं होकर भी अरे जो कैपिटल नहीं हो तो करंट है ही, पर एक्चुअली रोमन वन जो लिखा वो कैपिटल है, पर फिर भी उसको करंट मान रहे, इसलिए वो इंक्लूड्स में लिख के दिया है। ये चार चीजें क्यों लिख के दी, देख के प्राइमा पे ऐसे लगता है वो करंट नहीं है, फिर भी वो करंट के दायरे में आ रही। सर क्या फर्क पड़ता है करंट है कैपिटल है, सुनो ध्यान से, क्या फर्क पड़ता है बोलते, बहुत फर्क पड़ता है, क्यों क्यों सुन, क्योंकि हमारे पास जो डेफिनेशन लिखी है ना वो सेक्शन नंबर 5 के अंदर, ध्यान से सुनना, ये देखो करंट अकाउंट, पहले तो करंट है या कैपिटल है डिसाइड करना पड़ेगा,
जैसे आपने डिसाइड किया पी आर आई आई है कि पी आर ओ आई, तो पहले डिसाइड होगा पी आर आई आई है, फिर डिसाइड करना पड़ेगा जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो करंट का है कि कैपिटल का है, क्योंकि करंट के रूल्स अलग है और कैपिटल के रूल्स। अब जरा पढ़ो करंट के तीन रूल्स, कोई ऐसे ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट के वो प्रोहिबिटेड है, वो कर ही नहीं सकते आप, यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, कोई बंदा है इंडिया में या फिर पुणे में रेस कोर्स है, घोड़े की रेस होती है वहां, हाँ अच्छा अच्छा सर कहते हाँ बिल्कुल शौकीन आदमी जाते हैं वहां पे, ठीक है, रेस कोर्स में लोग जाते हैं और घोड़े पे दाव लगाते हैं। मान लो आप फिरंगी हो, वर्ल्ड कप खेलने यहां पे आए हो और आपका मन हो गया यहाँ पे रेस कोर्स में बैठ के दाव लगा, और गलती से आप जीत भी गए, और आप जीता हुआ पैसा, आपने जीते 10 करोड़, आप दिए 10 करोड़, आप बोल रहे 2 डॉलर, आप डॉलर लेके अपने देश में नहीं जा सकते, प्रोहिबिटेड ऑन विड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। किसने बोला था आपको इंडिया में सब गंदा काम करने, आप क्या करने आए इंडिया में, घूमने आया था ना, घूमो। बोले सर हमने वो जीता, बोले हार गए तो पूरा इंडिया में रहेगा, और जीते तभी इंडिया में रहेगा, जक मारने को खिला इंडिया में। आप इंडिया में आके लॉटरी नहीं कर सकते, बोले मैं वो ड्रीम इलेवन में जीता, इधर ही रख। कोई भी लॉटरी, कोई भी बेटिंग का पैसा आप इंडिया से अपने स्वदेश में नहीं ले जा सकते। काम 2 नंबर का है, पैसा यही रखो, यहां लिखा है प्रोहिबिशन। पहली बात समझिए आप, पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा करंट है कि कैपिटल है। करंट में भी 3 बात है, कुछ कुछ चीजें प्रोहिबिटेड नहीं है, वो ले जा सकते हैं ऑन द अप्रूवल ऑफ क्या लिखा है, और कुछ चीजें ले जाते हैं ऑन द अप्रूवल ऑफ, यानी कि पहले तो पी आर आई आई का स्टेटस निकालना पड़ेगा। भाई बराबर बोल रहा हूं, अरे बोलो साहब। उसके बाद में भी आपके पास हमेशा एक चीज होती है, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट। अब करंट अकाउंट के बोलो यार, करंट अकाउंट की कुछ चीजें है तो करंट अकाउंट में 3 चीजें, एक तो कुछ ट्रांजैक्शन आपको अलाउड ही नहीं है, उसको बोलते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 सर, ये रूल नंबर 3 के अंदर क्या क्या आता है, देखो ये रूल नंबर 3 के अंदर इतनी सारी चीज आती है रूल नंबर 3 के अंदर, ये जितने ये सब प्रोहिबिटेड है, इंडिया से बाहर नहीं कर सकते आप, मतलब इसके लिए पैसा आप इंडिया के बाहर नहीं ले जा सकते। देखो लॉटरी विनिंग, रेसिंग राइडिंग, हाँ कोई बच्चा बोला सर मैं मान लो यहाँ का बहुत जो बच्चा है क्या नाम बेटा, बेटा तुम्हारा नाम क्या, हाँ रतन 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 थोड़ा सिचौड़ा बच्चा है और इसको मैगजीन पढ़ने का शौक है, रतन चिचौड़ा बच्चा है, आप जानते हो कौन से मैगजीन पढ़ता हो और उसको इंडियन मैगजीन नहीं चाहिए, मतलब रशियन मैगजीन चाहिए। ये गया आरबीआई के पास में, बोले थोड़ा डॉलर दे, बोले क्यों, मैगजीन मंगाता हूं मेरा पढ़ने के बाद आपको भी दूंगा ठीक है, यहां पे लिखा है प्रोहिबिटेड। आप ऐसे छिछोरे काम करने के लिए इंडिया के बाहर पैसा, पहले 2 में क्या लिखा है, आप इंडिया में पैसे कमाए और इंडिया से बाहर किस में, रेस में पैसे कमाए, लॉटरी में कमाए, उसके लिए पैसा कमाए इंडिया में ले जाना चाहते बाहर। दूसरी बात, इंडिया का पैसा कमाया हुआ आप ये छिछोरे मैगजीन के लिए लगा रहे हो, क्या बोल रहा हूं, ओनली इंडियन, ठीक है, आपको जो मैगजीन देखना है इंडिया की मैगजीन लो, इंडिया में देखो। सर तीनों पॉइंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, तीनों को बताओ कॉमन ऑब्जेक्टिव है, इंडिया का पैसा हमारा रुपीज हमारे पास रहे और दूसरे के डॉलर हमारे पास में आए, हम दोनों भी हमारी हमारे पास रहे और दूसरों की भी पहले से बताओ इस पॉइंट से क्या हो रहा है, लॉटरी विनिंग हमारी हमारे पास रहे इसके, नहीं नहीं इंडिया में लॉटरी ना बेटा, इंडिया के अंदर लॉटरी जीता इंडिया के बाहर नहीं जा सकता, रेसिंग राइडिंग इनकम इंडिया के अंदर पैसा जीता रेस कोर्स में, वो बोल रहा मैं इंडिया के बाहर, हमारी हमारे पास रहे, हमारा पैसा हमारे पास ही रहे, 2 ऑब्जेक्टिव तो फेमा के, मेरी वाली और दूसरों की भी मेरे पास आता है, बड़ा ऑब्जेक्टिव वही आते, दूसरों के डॉलर हमें चलते नो प्रॉब्लम, जितना आना आना, डॉलर आने दो, पाउंड आने दो, हमारा रुपीस देंगे नहीं किसको, बड़ा स्वार्थी टाइप का एक्ट है, इसमें कोई मानवता धर्म नहीं, अपन क्या बोलो सबका साथ होगा सबका विकास,
मेरा ही विकास होगा, साथ तुम्हारा होगा। ये ऑब्जेक्टिव बहुत स्वार्थी है। देखो ना, वो कुछ भी नहीं, बाहर वालों के पैसे चलते हैं इनको। इंडिया की रकम बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर से आने तो जितना आना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वी डोंट हैव एनी इश्यू इफ समथिंग इज कम इन इंडिया। तो ये जितना भी प्रोहिबिटेड है ना, ये सब मैं पढ़ाऊंगा। अब ये हो गया आपका प्रोहिबिटेड, ओके, सुनो जरा। फिर बोला है कि इन सब चीजों को देखो, ये रूल नंबर 4 है। ये 9 काम जो है वो कर सकते हैं। ये 9 कामों के लिए फॉरेन एक्सचेंज में अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए। विदाउट हैविंग सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन आप ये 9 काम नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। वो मैं पढ़ाऊंगा विस्तार में। और उसके बाद में ये जो काम है, ये काम कर ही नहीं सकते आप, ये काम कर ही नहीं सकते विदाउट टेकिंग द परमिशन ऑफ। जैसे एग्जाम्पल, आपको प्राइवेट विजिट पे जाना है, आप कहीं जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, तो आपको $10,000 से ज्यादा नहीं देंगे पर पर्सन। आजकल ये सब इसका सबका एक कॉमन चीज आया हुआ है, आपको पर पर्सन पर हेड पर पर्सन पर ईयर $2,500,000 दिए जाते हैं। $2,500,000 सर हमारे पास बहुत हो गए, $2,500,000 तो हमारे पास रुपीज भी आते हमारे पास बहुत। $2,500,000 को कितना रुपीज होगा? 20 लाख कैसा होला है क्या? 2,50,000 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना पैसा आएगा? अरे बहुत हो गए भाई, ओवर एक साल में आप 2 करोड़ रुपए का डॉलर ले सकते। अरे 2 करोड़ रुपए, वो भी घर में आकर गलती से, आपके 10 मेंबर है। तो इंडिया ने चिंदगिरी ने किया, बोला है कि ये काम आरबीआई बोलता घड़ी घड़ी मेरे पास आओ भी मत इसके लिए। एक इंसान एक साल में अगर 2 करोड़ रुपया ले रहा है, दो करोड़ देके डॉलर ले रहा है, कितने डॉलर चाहिए? $2,50,000 तक आप इंडिया से सहज ले जा सकते हो। सर $2,50,000 कमाने की क्षमता तो होना चाहिए, तुमने अलाउ तो कर दिया, लाऊ कहां से इतने आए ना? आरबीआई बोलेगी अलाउड है $2,50,000 रख यहां पे, आए ना उसके बदले 2 करोड़, वो भी लोन भी लेना पड़ेंगे। बहुत बड़ी रकम है, मतलब लॉ ने थोड़ा सा अपने आपको लिबरल कर दिया। वो क्या बोल रहा है, क्या होता है कि अब किसको हनीमून पे जाने का? अब हनीमून तो बाजू में रह गया, पहले आरबीआई से मैं जाऊं क्या? आपने यही रहो, आप गलती सब आपकी चिंटी, और आप कितने हो गए यहां पे? नहीं, ये पहले वाला है, वो 2,50,000 तो अभी आया ना लेटेस्ट अमेंट में, 10,000 उसके और 10,000 आपके, तो कितने हो गए? बोले उसमें तो हनीमून अधूरा हो जाए। बोले वो बाकी अगले टाइम करना, इस साल इतना ही हो सकता। अरे गेटिंग में, अरे कितना सीचर था पहले, 10,000 एक व्यक्ति का, तो दोनों का मिला के कितना हो गया? तो आप कितना, वो भी पर ईयर है, पर ईयर। तो बोले जो 20,000 में मेरा कुछ नहीं हुआ, अधूरी ट्रिप हुई, कोई बात नहीं, आप इंडिया आ जाना, अगले साल का वेट करना, आधा अधूरा नेक्स्ट टाइम कर लेना। बड़े वाहिया टाइप का था। अच्छा, अब अगर इसके ऊपर जाना है तो आरबीआई क्या बोलता, 10,000 तक मुझे मत पूछो, पर 10,000 के ऊपर जाना है तो वो जो आपके बाजू का एपी जो होगा 38%, वो बोलता तुझे इतनी मस्ती ना पूरा कंप्लीट करना है, जा आरबीआई से जाके पूछो। बोले सर मेरे को जाने का, जल्दी जाने का, आरबीआई कब? आपको 10 के ऊपर चाहिए, यानी दोनों के मिला के 20 हो गए, 20 के ऊपर चाहिए तो आपको आरबीआई। अब ऐसे जितने लोग हनीमून जाना थे वो सब लोग चले गए आरबीआई के पास। आरबीआई बोल रहा क्या कर रहा हूं मैं, कोई भी आता दे दो दे दो। आप मुझे बताए, हर व्यक्ति का एक लिमिट सेट कर दिया। तो आरबीआई ने क्या बोला, अच्छा ये सिर्फ प्राइवेट विजिट का है। अब गलती से आपको मान लीजिए वहां पे आपका वो हो रहा है, कुछ भी आप मतलब मेडिकल हो रहा है आपका, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है, अब मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप हनीमून से तो आ गए वापस, आपको अब मेडिकल ट्रीटमेंट, अब आपका $1,00,000 तक आपको अलाउड है, पर आपको उससे ज्यादा चाहिए तो वापस किसके पास जाना है? तो आरबीआई के पास लाइनें लग गई, लिमिट यहां पे लॉ में लिख दी, इसके ऊपर जाना तो कहां जाना? आरबीआई बोल रहा मेरा काम, मुझे बताओ मेरा काम, देश में नोटे प्रिंट कराना, फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल पे लाना, बैंक्स के ऊपर, ये क्या लाया नोटंकी, दे दो कोई भी आ रहा दे दो मुझे दे। अरे भाई मैं किस, एक काम करो, बोले लॉ में अमेंडमेंट लाओ, पहले लाओ। भारत देश में इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, चाहे मेडिकल के लिए जा रहे हो, चाहे हनीमून के लिए, किसी के लिए भी जाएंगे, $2,50,000 ये 10,000 1,00,000 सब बंद करवा दो पूरा मिला के, एक व्यक्ति
पूरे वर्ष में सारे ये जितने भी इसके अंदर काम लिखे ना, आप स्टडीज के लिए जा रहे हो, अब कोई स्टडीज के लिए भी जा रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट के भी जा रहा है, हनीमून को जा, तीनों का कॉम्बो पैक चाहिए उसको। तो बोलते ये सब जिसके लिए भी जाना जा उधर, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन का पूरा मिला के अगर इन सब कामों के लिए जा रहे होंगे, बार बार घड़ी घड़ी परमिशन नकलो, एक व्यक्ति मैक्सिमम इंक्लूडिंग ऑल दी पर्पजेस। सर अगर अपने घर में चार लोग होंगे, ऑसम, 2.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 4, 10 लाख डॉलर, ऑसम, 80 से मल्टीप्लाई कर दो, आप बेस्ट काम करोगे, 8 करोड़ लेके जाओ। तो आरबीआई ने अपनी मेहनत कम करवा दी। आरबीआई बोलते ये रूल 5 के लिए बार बार मेरे पास किच करते मत आओ। एक बार बोल रहा हूं, एक व्यक्ति को एक साल में, एक व्यक्ति को एक घर को नहीं बोला है, एक व्यक्ति को बोला है। यानी घर में अगर आपकी गलती से 20-25 तो, अरे कुछ कुछ लोग किसी घर में है क्या भैया, 15-20 लोग, कोई ज्वाइंट फैमिली, बेटा कितने लोग है, 16 लोग है बेटा, बहुत आगे, मैक्सिमम कितना परिवार है, 19, 23 ज्वाइंट फैमिली, बेटा बहुत आगे जाएगी आपकी फैमिली, एक मिनट, 16 आपकी फैमिली भाई, 22 बेटा कौन रहता है घर में, पापा के भाई लोग, दादाजी के भी भाई, दादाजी के बच्चे और बच्चे के सारे बच्चे, बेटा आपके घर में कैसे आ गए 23, आपके पापा को कितने भाई हैं, पापा को 5 भाई हैं, पापा को मिला के 5, दोस्तों अगर ऐसा परिवार है तो 23 मल्टीप्लाइड में आप जानते हो 2 लाख 50 जो भी है, 2 लाख 2.5 लाख डॉलर, तो ये तो इंडिया के पूरा इंडिया लूट के बाहर चले जाएंगे, इनको कोई कम, बेटा तू फॉरेन में जाके जिंदगी में भी रहेगा ना, नहीं जाएगा कभी, भारत में रहना है, अरे मेरा बच्चा, बेटा 2-4 दिन 8 दिन के लिए कभी नहीं, फिर भी भारत में रहेगा। इधर देख लीजिए मेरे पास, सभी लोग ध्यान से सुने, यहां पे मैं आपको लिबरलाइज स्कीम के बारे में बताता हूं, उसको एलआरएस स्कीम बोलते हैं, ओके, लिबरल स्कीम लेकर आ गए भारत में, जिसके आपको कहीं दिख रहा है क्या, हाँ, अंडर द लिबरलाइज, एक मिनट जरा देखना यहां पे क्या लिखा है, 2.20 में, क्या स्कीम लेकर आए देखो जरा, अंडर द एलआरएस ऑल रेसिडेंट इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग माइनर्स आर अलाउड टू फ्रीली रेमिट अप, यानी पैसे इंडिया से ले जा सकते हैं आप, 2,50,000 डॉलर्स पर फाइनेंशियल ईयर, अंडरलाइन द वर्ड इंडिविजुअल्स, एक परिवार नहीं का, एक इंडिविजुअल, 2.5 लाख डॉलर एक फाइनेंशियल ईयर में, फॉर एनी परमिसेबल करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, और सर वो करंट और कैपिटल उसमें परमिसेबल वर्ड यूज किया क्या है, यानी कि प्रोहिबिटेड वाला नहीं ले जा सकते, आप इंडिया के बाहर कुछ भी पैसा लेके जाओ, पर आपने बोले घोड़ों से रेस का पैसा जीता है, हाँ इंडिया के बाहर लेके जाओ 2.5 लाख डॉलर तक हम रोकेंगे नहीं आपको, पर जो काम प्रोहिबिटेड है ना रूल नंबर 3 में, उसके लिए 1 रुपया भी ले जाओगे तो वो प्रॉब्लम है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, ओके देखो, दिस इज इंक्लूसिव ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी फॉर द पर्पस मेंशन इन, ये सब ठीक है, आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया, करंट अकाउंट हो या कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हो, उसके लिए एक व्यक्ति बगैर कोई परमिशन के भारत के बाहर 2.5 लाख डॉलर का पैसा ले जा सकता है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, कैपिटल मतलब आपने फॉरेन में जाके कोई प्रॉपर्टी भी ली होगी, आप बोलेंगे दुबई मुझे फ्लैट लेना है, उसके लिए दे देंगे पैसे 2.5 लाख डॉलर तक, कोई रोकेगा नहीं आपको, इज दैट ओके एवरीवन। आप जरा देखेंगे यहां पे सारी चीजें हमें पढ़ना है, पहले तो आपने करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस को समझा है, देखो मैं आपको करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन पढ़ा रहा था, आपको समझ आया ना मैं क्या पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं मैं बताओ, करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट का डेफिनेशन आपने कल मुझे पढ़ाया था, आज भी मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं, ये देखो यहां पे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स और इनकम फ्रॉम व्हाट, क्या लिखा है,
यानी कि मतलब क्या हो गया? अरे मतलब क्या हो गया बताओ? इसका पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स और इनकम, यानी इंडिया के अंदर से कोई पैसा इंडिया के बाहर जा रहा हो, पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स। तो हमने किससे पैसा लिया है? फिरंगियों से लिया है, इंटरेस्ट उनको जा रहा है, तो इंटरेस्ट जाएगा ना, तो इंटरेस्ट को लोन क्या है? कैपिटल अकाउंट है, पर लोन के ऊपर का इंटरेस्ट क्या है? तो वैसे इन जनरल भी करंट ही रहता है, ठीक है। रेमिटेंस फॉर द लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ पेरेंट्स, स्पाउस और चिल्ड्रन लिविंग एब्रॉड। अब देखो सुनो जरा, आप खुद जा रहे हो या आपका खुद का करंट? ठीक है, आपकी बार खुद नहीं जा रहे हो आप, ये कौन है? पेरेंट्स, स्पाउस, कौन, क्या सीन है? मैं नहीं जा रहा हूं, मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरे बच्चे जा रहे हैं, उनका मैं यहां से पैसा दे रहा हूं, तो उसको भी क्या मानेंगे? सर ये करंट कैपिटल क्यों पढ़ा रहे हो? अरे बेटा करंट के रूल अलग है, कैपिटल पहले तो डिसाइड कर, रूल बात की बात है, पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा करंट है कि वो कैपिटल है। आगे एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विथ व्हाट? फॉरेन ट्रैवल, वो तो अभी देखा ना हमने। अरे आप इंडिया के बाहर पढ़ने गए यार, किसी को पढ़ने की इच्छा है इंडिया के बाहर जाके? आज जाना चाहते हो? क्या पढ़ेंगे भाई आप? जर्मनी? क्या पढ़ने? मास्टर्स। बेटा आप क्या पढ़ने जा रहे हो? पर जाना है, वैसे इच्छा चाहत है बस। लंदन जाना है, क्या करेंगे? LLB करेंगे। चलो बेस्ट है, बहुत लोग अलग अलग ख्वाहिश है। आप बेटा MBA करेंगे? MBA सुना है ऑस्ट्रेलिया में भी होता है काफी अच्छा। बाकी आप कहाँ जाना चाहेंगे? US जाएंगे। ओके बेटा तुम कहाँ जाना चाहते हो पढ़ने? और क्या क्या पढ़ाई होती है वहां? उधर कोई पढ़ाई नहीं होती। क्या करना चाहता रे तुम? लाइव स्ट्रीमिंग में भी बच्चे बोल रहे सर हम भी जाना चाहते हैं इंडिया की बार। जाओ जाओ, जिसको जा जाना जाके आओ। जितना आप जितनी दुनिया घूमोगे उतना नॉलेज बढ़ता है और उतना आप हुशार बनते हैं। यू गेट लॉट्स ऑफ नॉलेज वेन यू गो अब्रॉड। तो कभी भी अपॉर्चुनिटी मत छोड़ना वेन यू वॉन्ट टू गो अब्रॉड। ओके, इसलिए नहीं कि हम इंडिया से नफरत करते हैं, हमें इंडिया पसंद है, पर बाहर जाके कुछ चीजें इतनी सीखने मिलती है, आपका विजन चेंज होता है, यू अंडरस्टैंड कि हम लोग एक्चुअली वेयर डू वी स्टैंड। आप जब वर्ल्ड के मेरे बिल्डिंग में एक बच्चा रहता था, ही हैड गॉन टू चाइना, उसको स्कॉलरशिप पे भेजा गया था। तो ऐसा कभी कभी होता है, पता है क्या, इंडिया में ऐसा होता है यूनिवर्सिटी के बच्चे एक्सचेंज होते हैं, इंडिया से उधर जाते हैं और उधर के लोग इंडिया में आते हैं, एंड दे अंडरस्टैंड ईच अदर्स कल्चर, लैंग्वेज, बिजनेस, और वो पैसे गवर्नमेंट स्पेंड करती है। मतलब कुछ लोग हैं जो इंडिया के उधर जाते हैं और उसको पैसा खुद नहीं देंगे। अगर आपको स्कॉलरशिप दे दिया तो आप बोलेंगे जाओ चाइना रोके, और 3 महीने चाइना भेजेंगे, 3 महीने US जाओ। कुछ बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर में जाते हैं। एग्रीकल्चर पता है कि इंडिया के बाहर खेती बहुत एडवांस लेवल पर होती है, तो वो सीखने के लिए यहाँ पे एग्रीकल्चर कॉलेज के बच्चों को भेजा जाता है, भारत सरकार अपने पैसों से भेजती है कि जाओ तुम उधर की खेती सीख कर आओ और वो खेती इंडिया के लोगों को सिखाओ, ताकि हमारे ज्यादा एफिशिएंटली हम लोग खेती कर पाए। समझ आए? तो बोल रहे कि इंडिया के बाहर अगर आपको जाना है, आप पैसे खुद के डाल रहे हो, तो वो खुद के पैसे, जब खुद के पैसों से आप एजुकेशन करने जाओगे, इट इज ऑल्सो अ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। क्या आप मुझे 4 बातें बता सकते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट अकाउंट? करंट अकाउंट इज एवरीथिंग विच इज अदर देन, विच इंक्लूड्स, कोई भी पैसा जो आपको मिला हो शॉर्ट टर्म क्रेडिट पे, इट ऑल्सो इंक्लूड्स लोन जो लिया उसके ऊपर इंटरेस्ट जो दे रहे हो, इट ऑल्सो इंक्लूड एजुकेशन, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स, क्या लिखा है, आप अगर अपने पापा मम्मी को उधर रखे हो और उनका पैसा आप इंडिया से भेजते हो, इन सभी को करंट अकाउंट कहा जाता है। अब ये बात यहां तक सीमित नहीं है। अब एक आपको क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ाया था मैंने, क्या लिखा था बड़ा एग्जाम्पल देखो वापस से, कल हमने पढ़ा था इसको। एन इंडियन रेसिडेंट इंपोर्ट मशीनरी फ्रॉम अ वेंडर UK फॉर इंस्टॉलिंग इन हिज फैक्ट्री, एज पर अकाउंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। However, under FEMA, it does not alter an asset in India for the UK vendor. It does not create any liability to a UK vendor for the Indian importer. Once the payment is made, Indian resident or the UK vendor neither owns. अब ये समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैं इंडिया में हूं, इंडिया का बंदे का
एसेट और लायबिलिटी हिल रहा है इंडिया के बाहर का, तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। दूसरी बात, कोई बाहर का बंदा है उसका एसेट लायबिलिटी हिल रहा है इंडिया का, तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। दोनों बातें समझ कर लो, मैं विराट कोहली हूं और मेरा इंडिया के बाहर कोई भी एसेट लायबिलिटी कम ज्यादा हो रहा है, यानी मैंने उधर फ्लैट लिया तो इंडिया के बाहर का एसेट बढ़ा, तो ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। मैंने उधर का फ्लैट बेचा तो मेरा एसेट कम हो रहा है, तो वो भी कैपिटल। मैंने इंडिया के बाहर बहुत बड़ा डेट लिया, लोन ले लिया इंडिया के बाहर से, वो भी कैपिटल। मैं इंडियन हूं और मेरा एसेट लायबिलिटी उधर का कम ज्यादा हो रहा है, उधर का मतलब किधर का, तो उसको क्या बोलते सर इंडिया में, ओके इंडिया का ही कुछ कम ज्यादा। आप भारतीय हो, आपने आरबीआई से लोन लेके आप इंडिया में घर, ना ही भाई वो तो नॉर्मल टर्म है, उसे पेमा क्या करेगा आपका। आप भारतीय और आप उधर उधर कुछ नीचे कर रहे हो किधर, और जब उधर क्या वाला बंदा उधर बैठे बैठे है इंडिया में ऐसा ऐसा कर रहा है, तो कभी ऐसे कभी ऐसे, दोनों में से कुछ भी हो जाए कैपिटल कहेंगे। क्योंकि क्या बोला, एक बार और मजे ले लो पूरे, एक बार और करो, अब सब लोग साथ में करना, फिर सब ऐसे ऐसे करो मेरे जैसे। बेटे ऐसे ऐसे नहीं है, पूरा लंबा हाथ लो ऐसे। ओके, मैं कौन, मैं इंडियन और मेरे पास में बहुत लोग नहीं कर, बेटा आप क्यों नहीं कर रहे, शर्म आ रही आपको, आप कुछ भी ऐसा कर, मैं हम कौन है पहले बताओ, पहले और हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे एसेट और लायबिलिटी कम हो रही किधर की, तो उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट कहेंगे। और ये हाथ इधर फैला दो जरा, अभी अब कहानी बदल गई, हम कौन, ना 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 ना, पहले भी तो हम इंडियन थे ना, अब हम फिरंगी है और हम लोग इंडिया के अंदर की एसेट लायबिलिटी कुछ कर रहे हैं। मान लीजिए, अगर मान लीजिए उधर रोनाल्डो ने आके इंडिया में बॉम्बे में एक फ्लैट लिया, ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा भी नहीं है। अगर मैं रोनाल्डो और इंडिया में मैंने बॉम्बे में जुहू में फ्लैट लिया, तो फिरंगी वाले का इंडिया का एसेट अप हुआ, तो इसलिए भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। मान लो इंडिया में आके रोनाल्डो ने देना बैंक वाला, देना बैंक देना देना बैंक मुझे लोन देना, देना बैंक ने बोले लेना, तो अब देना बैंक ने लोन दिया रोनाल्डो का, रोनाल्डो कहां गए, बाहर गए, तो क्या हो रहा, बोलो आप जल्दी, अरे बोल रहे नहीं आप, तो ये भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। तो बाहर वाले का इंडिया के अंदर असेट लायबिलिटी कुछ कम ज्यादा हुआ, और इंडियन का कुछ असेट लायबिलिटी इंडिया के बाहर कम ज्यादा हुआ, उसको कहते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। और जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं होता उसको करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब बताओ ये क्यों करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, अब समझेगा ये क्यों करंट अकाउंट। अब ध्यान से बताओ, आपने प्रिंटिंग मशीनरी ले ली इंडिया में और इंडिया में लाए और पैसे लेके चले गए, अब क्या हुआ, क्या फिरंगी का कुछ एसेट लायबिलिटी कम ज्यादा हुआ इंडिया में, क्योंकि वो माल दिया पैसे लेके भाग गया, ना उसकी एसेट है ना लायबिलिटी है। हाँ, और इंडिया के लिए उधर इंडिया के लिए कैपिटल क्या होता, जब इंडिया के बाहर उसे, अब ये इंडिया को इंडिया के अंदर ही मशीन मिली, तो ना उसका एसेट लायबिलिटी बाहर कुछ कम ज्यादा हुआ, तो इसका मतलब कि इट इज वेरी मच करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। वरना देखा जाए तो लगता मशीन लाया यार, मशीन लाया तो इन्वेस्टमेंट हुई यार, और बैलेंस शीट के एसेट्स में आपको मशीन लिखना पड़ती है, तो ये तो आपका हो गया अकाउंटिंग सेंस। फेमा के मायने में वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है, बिकॉज उसके से ना बाहर कुछ हिल रहा है ना अंदर कुछ हिल रहा है। इंडिया का कोई बंदे का बाहर एसेट लायबिलिटी कम हो रहा है क्या इसमें, और बाहर का बंदे, सर बाहर वाले ने अगर इंडिया में दिया होता लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पे, लॉन्ग टर्म डेट पे, 5 साल तक के बाद में पैसे देना मुझे, तो फिर उसका इंडिया में क्या बढ़ रहा है, उसका इंडिया में मतलब उसके डेटर, डेटर इंडिया में बढ़ रहा है, डेटर यानी उसके असेट साइड में डेटर के लिस्ट में आएगा, यानी उसका असेट कम ज्यादा, असेट बढ़ रहा है इंडिया का, इसका मतलब क्या हो जाएगा। पर सर फिर इसके पहले जो क्वेश्चन लिया था उसमें क्यों नहीं हुआ था, बेटा उसमें क्योंकि इट वॉज अ शॉर्ट टर्म, ये 3 महीने, अगर ये 3 महीने हटा देता ना यहां से, तो वेरी मच कैपिटल हो जाता। अब आपको क्लैरिटी है क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, अच्छा है, जरा इधर देख लो क्या बोल रहे हैं, अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ट्रांसफर यूएस डॉलर 1000 टू हिज एनआरआई ब्रदर, मतलब अपना इंडिया का बंदा एनआरआई को दे रहा है
न्यूयॉर्क में गिफ्ट बोल के, कितनी मस्ती उसकी, रहता है इंडिया में, दे रहा गिफ्ट उधर। फंड्स आर सेंट फ्रॉम PRII, अपने इंडिया के लोगों ने दिया उसको NRI को। अंडर द अकाउंट एंड इनकम टैक्स लॉ गिफ्ट इज अ कैपिटल रिसीट। However, under FEMA, once the gift is accepted by the NRI, no one owes and no one owes anything to anyone. अच्छा मुझे बताओ, अगर मैंने कोई गिफ्ट दिया उधर इंडिया के बाहर, मान लो ये राज है, मिस्टर राज की कुछ चिंटी होगी उधर, अब इसकी चिंटी जो है वो जिम्बाब्वे में है और इसकी चाहत है उसको गिफ्ट करे, आप मुझे बताओ क्या ये अपनी जो चिंटी है इसकी, ये राजा की रानी उधर है, मुटाटेस मुटांडेस। दोस्तों इसकी चिंटी उधर है, अरे तुम लोग कितनी गालियां दे रहे हो, राजा की रानी उधर रहती है जिम्बाब्वे में, ये गिफ्ट दे रहे हैं उसको, आप मुझे बताओ गिफ्ट क्या माना जाएगा, कैपिटल है करंट, बताओ ये कैपिटल क्यों नहीं है, क्या राजा का इसके वजह से कोई फॉरेन असेट लायबिलिटी, ये कोई असेट नहीं है, गर्लफ्रेंड बदली तो मेरा गिफ्ट वापस, अच्छा गर्लफ्रेंड बदल दे तो उसके ये गिफ्ट वापस मिल जाते क्या, सोच के बताओ, आप बताओ ना मुझे क्या पूछ रहे हो, अरे भाई आपको कुछ तो ना भाई, आपने जो आपका क्या रे राजा वापस लेंगे गिफ्ट उसके पूरे वापस दे देंगे, बोलते चढ़ के गई, आप बता दो आप जिनको गिफ्ट करते हो वो तो वापस आना है नहीं, अगर वो गिफ्ट वापस आने वाले होते तो हम उसकी उसको असेट मानते, ये मेरा डेटर है आज नकल वापस आ ही जाएंगे, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, ठीक कॉन्टिंजेंट असेट। तो दोस्तों मैं अगर आपसे पूछता हूं ये कैपिटल अकाउंट क्यों नहीं है, गिफ्ट दे रहे हैं क्योंकि इसका गिफ्ट गिफ्ट होता है, इट इज फॉर एवर, उससे वापस कुछ आना नहीं, वो अपनी असेट आइटम नहीं है, गिफ्ट इज एन एक्सपेंसेस, तो इसीलिए वो बोलता है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। कोई शक सवाल इसमें, पर एक करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन भी है दोस्तों, कैपिटल किसको बोलते हैं, फॉरेनर का इंडिया में कुछ हो रहा है क्या, वो तो हो ही नहीं रहा, इंडिया का फॉरेन में हो रहा है, हो रहा है, पर के इंडिया के बाहर की असेट बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है, दोनों में से कुछ नहीं बढ़ रहा, दैट्स व्हाई इट इज वेरी मच करंट अकाउंट। देखो यहां पे लिखा है, हेंस इट इज व्हाट, क्या लिखा है, हेंस इट इज, वो बोल रहा है ना इसके से हम लोग को कभी फ्यूचर में देना है ना उधर से लेना है, ओज भी नहीं है ओन्स भी नहीं है, आपको कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन का डेफिनेशन है क्या सिलेबस में, स्टार्टिंग में पेज नंबर बता दो, 2.20 पे है क्या, नहीं पर उसका डेफिनेशन है क्या वहां पे, 2.3 पे, कितना घुमा रहे हो आप, कुछ ये पढ़ो क्या लिखा है, डेफिनेशंस में कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है, मीन्स ट्रांजेक्शन, सर आप कैपिटल करंट क्यों पढ़ा रहे इतना भाई, पूरा चैप्टर उसी के ऊपर, चैप्टर में पता है दो ही कौन से बचे, नहीं नहीं करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, दो ही क्वेश्चन बचे हुए, 9 पन्ने करंट अकाउंट के, 6-7 पन्ने कैपिटल के और खत्म हो जाएगा, आज मैं करंट कंप्लीट करूंगा कल कैपिटल खत्म करूंगा, इस चैप्टर में और नई चीज है नहीं तो मैं वही पढ़ाऊंगा ना, मैं आपका जब तक फंडामेंटल फाउंडेशन आपको ये नहीं बता दूं कि करंट क्या होता है कैपिटल, मैं क्या पढ़ाऊंगा करंट में जाके, करंट के 3 टाइप्स है, रूल 3 रूल 4 रूल, एक तो प्रोहिबिटेड है, एक तो परमिशन ऑफ CG और एक परमिशन ऑफ RBI है, अरे वो तो तब पढ़ाऊंगा जब वो करंट अकाउंट पता है, तो करंट अकाउंट का डेफिनेशन पहले याद करवाया मैंने आपसे, पर करंट अकाउंट में क्या लिखा था, एनीथिंग अदर देन कैपिटल लिखा है, तो कैपिटल भी तो जानना जरूरी है, वैसे मैंने ऐसा ऐसा करके बता दिया, पर देखते क्या लिखा हुआ है, मिस ट्रांजेक्शन विच ऑल्टर्स असेट और लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी आउटसाइड इंडिया और पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, यानी कि हम लोग सब PRII है, अगर हमने कोई ऐसे ट्रांजेक्शन किया जिसकी वजह से हमारा फॉरेन का लाइबिलिटी असेट कम ज्यादा हो रहा है, मैंने उधर के बैंक से लोन लिया या उधर मैंने घर खरीदा
इसको मैं कैपिटल कहूंगा बिकॉज इसके से लाइबिलिटी एसेट कम से कम ज्यादा हो रही है इंडिया के बाहर की. एग्जाम्पल टुमोरो आई एम गोइंग टू दुबई ना, आई एम गोइंग टू बाय अ फ्लैट देयर, तो ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन माना जाएगा बिकॉज वो फ्लैट मेरे लिए एसेट हो जाएगा, तो मेरे फॉरेन के अंदर की एसेट बढ़ेंगी. आगे और एसेट और लाइबिलिटी इन इंडिया ऑफ अ पर्सन पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड, यानी फिरंगी आके इंडिया में. अब बहुत सारे क्या करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने इंडिया में अभी 300 करोड़ की जमीन ली पिंपरी चिंचोड़ में, टेस्ला ने अभी चाकन में बहुत सारी जमीन ली. ये क्या कर रहे हैं, कोई PROI पुणे में आके कोई असेट खरीद रहे है, लैंड खरीद रहे है, बिल्डिंग, तो क्या हो गया, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन. पर माइक्रोसॉफ्ट यूएस में कुछ ले रहा है तो हमारा कोई लेना देना है, अपना क्या संबंध है, वो अपने कंट्री में कुछ भी करे. और मैं अगर इंडिया में प्रेस्टीज पॉइंट पे कुछ ले लू तो ना ये कैपिटल अकाउंट है ना करंट, बिकॉज तो इंडिया का ये तो मेरा बेसिक काम है. इज इट ओके? तो आई थिंक ये डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर है. अब ये क्लियर है तो फिर आप तो माहौल बनाओगे यहां पर सुपर. आपको पता है चैप्टर देखते देखते हमने कहां तक खत्म किया है, चैप्टर में 2.28 पेजेस है, यानी कि 28 पेज का चैप्टर है, और आपने 3, 4, 5 भी खत्म कर लिया. ये देखो उसी को एक्सप्लेन किया नीचे, और गिफ्ट को एक्सप्लेन किया नीचे तक. हाँ, अभी ये आएगा हमारे पास में, यहां से मैं पढ़ाऊंगा सेक्शन नंबर 5. सर मतलब सेक्शन नंबर 3 हुआ जो भी काम होगा एपी के थ्रू होगा, सेक्शन नंबर 4 कहता है कि आप फॉरेन करेंसी फॉरेन सिक्योरिटी को होल्ड नहीं कर सकते हो. सेक्शन नंबर 5 टॉक्स अबाउट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन व्हिच इज अ ब्रोकन डाउन इनटू 3 पार्ट्स. आप एक काम करेंगे अच्छे बच्चे, ये इसको लगा देंगे आप चिट्ठी के फॉर्मेट में, लगा दो चिट्ठी, रूल 3, रूल 4, रूल 5 सेक्शन नंबर 5 करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन. हाँ चलो भाई, आ जाओ भाई कम ऑन भाई, ब्रैकेट में आपके लिए बजा देते हैं. आवाज लगा भैया, ऑक्स लगा दे. चलो तब तक ये लिखना चालू कर. म्यूजिक की आवाज क्यों नहीं आ रही, ऐसे कैसे, ऐसा क्या कर दिया आपने, आवाज ही नहीं आ रही. प्रोजेक्टर से आ रहा है, कभी भी आता है. ऐसे कैसे हो सकता है, एक मिनट. अप्लाई कैसे हुए, किसको आता है, कौन सा है ये, हेडफोन थोड़ी ना होगा. ओके, अरे ऐसा क्यों हुआ, अरे ये पीपीटी लगा तो बंद हो जाता है. ऐसा क्यों हो रहा है,
ऐसा नहीं यार, हुआ क्या है इसका, मैं समझ नहीं। अच्छा इधर से तो आवाज आ गई है। ऐसा क्या जो मुझे नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों है भाई? हाँ अभी आके चले गए। अमर को कॉल कर, क्या बोल रहे ऐसी क्या चीज है जो हमें नहीं आ रही? वो मैं देख रहा हूं क्या है ऐसा। ट्रबल शूट ये भी नहीं। उसे तेरे समझा। ऑटो लूप में जा रहा है कुछ तो, ठीक है पता नहीं कुछ हो रहा है उसका। चलो लिख दो वैसे ऑटो, ऑटो ऑफर है कुछ तो। आपका मोबाइल पे लगा दे। क्या हो ओवर गैस। चलो हो गया ये, चलो डन आगे बढ़े। ओके गाइस इज इट ओवर, ब्रेक देता हूं बस, ये देख लीजिएगा पहले। यहां पे आपको कुछ लिखा है सेक्शन नंबर 5 में, एक बार इसको देख लो फिर हम लोग खत्म करेंगे आगे। सेक्शन नंबर 5 ऑफ द एक्ट परमिट्स एनी पर्सन, क्या लिखा है एक बार देखना, एनी पर्सन टू सेल और ड्रॉ फॉर, डोंट टॉक गाइस, सेक्शन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, यानी कि जो आपने लिखा था उसके बारे में, जो हमने चार्ट बनाया ना उसके बारे में लिख रहा है। एनी पर्सन टू सेल और ड्रॉ फॉर एन एक्सचेंज टू और फ्रॉम एन ऑथराइज पर्सन, आप एपी से ले सकते हो और दे भी सकते हो। टू अंडरटेक एनी करंट, यानी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए हम लोग पैसे ले भी सकते हैं दे भी सकते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, किसके ऊपर? इन कंसल्टेशन विद द आरबीआई इन द पब्लिक इंटरेस्ट ऑन द करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, क्या लिखा देखा, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर, यानी सीजी के पास पावर है कि इन ट्रांजेक्शन के लिए जो पैसे दिए जा रहे हैं उसके ऊपर रोक लगाने का। देखो यहां लिखा है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इन कंसल्टेशन विद आरबीआई एंड पब्लिक इंटरेस्ट ऑन द करंट अकाउंट, यानी कि दोस्तों कोई ट्रांजेक्शन जो करंट अकाउंट के होंगे वो तीन टाइप के होंगे, एक तो प्रोहिबिटेड होंगे, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से कर सकते हैं, और एक में आपको आरबीआई की परमिशन लग सकती है। तो यहां पे है हमारे पास शेड्यूल 1 जो है रूल नंबर 3। लेट अस नाउ सी वेरियस शेड्यूल्स ऑफ, किसके लिख रहे हैं,
of to rules that let us understand, let us see the various schedules to rules that lay down the restrictions. यानी कि ये जो सारे transaction है underline करो, ये सारे के सारे prohibited है. Underline the word prohibited. Prohibited. Transaction for which the drawal of foreign exchange is what? Prohibited. Schedule 1 के नीचे लिखा देखो. Prohibited. 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 यानी कि transaction के लिए पैसा इंडिया से बाहर नहीं ले जा सकते हो आप. Remittance out of lottery winnings. यानी आपने पैसा लॉटरी से कमाया इंडिया में और इंडिया से बाहर ले जाना चाहते हो, इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. यानी कि इसके लिए पैसा इंडिया से आपको नहीं मिलेगा. मिलेगा नहीं मिलेगा? लॉटरी का मतलब क्या? गैम्बलिंग. लॉटरी में क्या क्या आएगा? लॉटरी मतलब एग्जैक्टली वो लॉटरी पुराने दिन वाली या फिर ड्रीम इलेवन भी? गैम्बलिंग जाओ, गैम्बलिंग, कसीनो लिखो आप. ड्रीम इलेवन कॉमा कसीनो. उसके नीचे और उन्होंने इस तरह दे दिया उन्होंने. रेमिटेंस ऑफ इनकम फ्रॉम व्हाट? रेसिंग, राइडिंग और एनी अदर हॉबी. किसी के ऊपर दाव लगाना, कौन जीतेगा, ये जीतेगा या वो जीतेगा. अगर ड्रीम इलेवन ऊपर से छूट गया तो नीचे आ जाएगा. देखिए ड्रीम इलेवन में आप क्रिकेटर्स पे पैसा लगाते हैं, यहां पे घोड़ों पे पैसे लगा रहे हैं. रेसिंग पता है आपको? रेसिंग इट्स नॉट ओनली अबाउट हॉर्सेस, इट कुड बी अबाउट रेसिंग, कोई भी हो सकती है. कार रेसिंग भी होती है. रेसिंग, राइडिंग, ये सुनो जरा. आपको एक और दो से क्या टोन सेट कर रहा है लॉ मेकर? लॉ मेकर बोल रहा है इंडिया में आप माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट विंडो बेचा या मैकडी ने वड़ा पाव बेचे और वो पैसे कमा के इंडिया के बाहर ले जाना चाहते हैं, वो अलाउड है. पर आप इंडिया में आके क्या कर रहे हो? ड्रीम इलेवन पे पैसा लगाते हो, रेसिंग पे. आप इंडिया में ये सब काम करने आए हो तो आप इंडिया में आके कुछ व्यवहार कर रहे हो, कुछ व्यापार कर रहे हो. यू आर ओपनिंग यहां पे स्टारबक्स और वहां से पैसा कमा गए, या आपने यहां पे कोई ब्रांड खोला अरमानी, अब उसके थ्रू पैसे कमाए, या आपने लुवी विटोंग का ब्रांड खोला, आप वो धंधा करके पैसे ले, वो अलाउड है. ये क्या कर रहे हो? धंधा नहीं कर रहे, ये तो लॉटरी है, सट्टा है, बेटिंग है, गैम्बलिंग है. इसके पैसे कमाएंगे पुलिस, कमाने के बाद में क्या करना? इधर कमाए ना, ए रेसिंग से कमाओ, वो रेसिंग में घलाओ, तब तक खेलो जब तक सारे पैसे खत्म ना हो जाए. बोले सर पैसे बच गए तो तब तक खर्च करो जब तक वो खत्म नहीं होते, खर्च करते रहो पर इंडिया से बाहर. रेमिटेंस फॉर परचेस ऑफ लॉटरी टिकट्स. अच्छा, बैंड मैगजीन, सब समझ रहे हो? बैंड कौन सी मैगजीन होती है? फुटबॉल पूल्स, स्विपस्टिक्स. दोस्तों इतना बता दो क्या लग रहा है, पहले तो उनको रोका, अब आपने इंडियंस को रोका. ज्यादा शौक मत पालिए, इंडिया के शौक इंडिया में रखिए. आपको शौक करना है इंडिया के बाहर जाके आप लॉटरी के टिकट्स खरीदना चाहते हो या उधर जाके कोई बैंड मैगजीन खरीदना चाहते हो. आप आरबीआई के पास गए, मुझे पैसे दो. बोले क्यों? बोले मैगजीन खरीदना चाहता हूं. हट हलकट, जो देखना है इंडियन देखे. ये सब काम नहीं करोगे. लॉटरी परचेस ऑफ लॉटरी टिकट, वो भी कहां का? एक बार बताओ, इसमें लिखा ही नहीं इंडिया का क्या बाहर का. अरे इंडिया के लॉटरी टिकट अगर मेरे पास आए ना रहे, वो लॉटरी टिकट इंडिया में मिलती है तो उसमें क्या पेमा क्या करेगा? ये किसकी बात चल रही है? आप इंडियन हो, लॉटरी की टिकट मिल रही दुबई में और वो आपको खरीदने के लिए पैसे चाहिए, वो भी कौन से डॉलर में? नौ डॉलर. इंडिया से बाहर जाओ, आप एजुकेशन को जा रहे हो, जाओ भाई, कोई रोकेगा नहीं. अच्छा काम करने जा रहे हो, हॉस्पिटल जा रहे हो, आओ. कुछ पढ़ने जा रहे हो, कुछ सीखने जा रहे हो, इंडिया के बाहर घूमने जा रहे हो, ये क्या लॉटरी के टिकट? अलाउड नहीं. ऐसा नहीं बोल रहा आपको अलाउड नहीं है, आप जाओ. बहुत $2.5 लाख अलाउड कर दिए भाई, और क्या चाहिए. पर ये छिछोरे काम मत करो इंडिया के बाहर जाके. बोले सर मैं कुछ शौक करना, मत करिए शौक उधर जाके. जो काम बैंड है वो काम नहीं कर सकते उधर जाके. नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट मेड टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर होली ऑन सब्सिडी अब्रॉड. ये इतना कठिन पॉइंट है, उसको समझने के लिए पूरा कॉन्सेप्ट एक बार पूरा देखना पड़ेगा. उसके पहले देखते हैं, रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड बाय एनी कंपनी टू विच द रिक्वायरमेंट ऑफ डिविडेंड बैलेंसिंग इज एप्लीकेबल. सर क्या क्या लिखा है आगे? पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट अंडर रूपी स्टेट क्रेडिट रूट एक्सेप्ट कमीशन अप टू 10% ऑफ इनवॉइस वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ टी एंड टोबैको. इस बात को ध्यान से पढ़ेगा.
पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट, यानी भारत का कोई बंदा इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है, जैसे बजाज एक्सपोर्ट करता है इंडिया के बाहर गाड़ियां बहुत, अंडर रूपी स्टेट क्रेडिट रूट। अभी ये क्या है हम पढ़ेंगे, रूपी स्टेट क्रेडिट रूट क्या होता है समझना पड़ेगा। एक्सेप्ट कमीशन अप टू 10% ऑफ इनवॉइस वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ टी एंड टोबैको, यानी कि टी और टोबैको के ऊपर अगर आपने 10% कमीशन दिया, क्या होता है ना बच्चों सुनो, आप इंडिया के बाहर जब माल बेचते हो ना, ऐसे माल नहीं बिकता, हमारा माल कोई लेता नहीं, इंडिया के अंदर बहुत सारे दलाल होते हैं, उसको कहते हैं ब्रोकर्स, वो क्या करते हैं हमारे इंडिया के माल को इंडिया के बाहर लोगों को बेच के आते हैं, ये इंडिया में चाय पत्ती बहुत अच्छी मिलती है, इंडिया में सामान अच्छा मिलता है, वो जाएगा यूरोप में यूएस में जाके अपने माल को पटाएगा और उन ग्राहक को इंडिया में से लेने बोलेगा। तो अब कौन बेचा, इंडियन ने बेचा, किसको बेचा, फिरेंगे नहीं, पर इसको बीच में दलाल को कुछ तो मिलना चाहिए, ब्रोकर शुड बी एंटाइटल्ड टू गेट सम कमीशन आउट ऑफ इट। तो बोल रहा है कमीशन आप दे ही नहीं सकते, और जो भी देना है वो टी और टोबैको भी दे सकते हो, भी 10% तक। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, आई विल रिपीट, पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट अंडर कौन सी स्कीम, अब ये जानना पड़ेगा रूपी स्टेट का वाला मैटर क्या है, क्योंकि इन जनरल सर कभी मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं और मैं थोड़ा बहुत दलाल को दे दूं तो क्या प्रॉब्लम है गवर्नमेंट को, तो एकदम लेजिटिमेट काम है। आपको समझा रहे, जैसे अगर मुझे चाइना से कुछ फर्नीचर लाना है इंडिया में, तो बहुत सारे लोग इंडिया के दलाल लोग आपको हेल्प करते हैं, आपको चाइना से लाना है, मैं आपको पूरा माल आपके घर पे लाके दूंगा, पर वो आपसे 7-8% कमीशन लेता है, क्योंकि अपने को चाइना के बारे में मालूम नहीं अच्छी दुकान कौन सी खराब दुकान कौन सी। वैसे फिरंगियों को प्रॉब्लम है इंडिया में क्या अच्छा क्या बुरा, तो इंडिया के अच्छे दलाल ढूंढते हैं, तो आपको लगता नहीं बहुत नॉर्मल है, मतलब उसमें कुछ गलत नहीं है, पर ये कब गलत होगा, जब ये रूपी स्टेट वाला कॉन्सेप्ट होगा, इसका नाम है रूपी स्टेट क्रेडिट रूट। इसलिए हम लोग यहां जाएंगे और इसको पूछेंगे ये क्या कॉन्सेप्ट है। इधर देखिएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूपी स्टेट क्रेडिट रूट इन फेमा, इसको पढ़ेंगे हम लोग। देखो यहां पे क्या लिखा है, ये बहुत पुरानी बात है। फॉर अंडरस्टैंडिंग द रूपी स्टेट क्रेडिट रूट यू हैव टू गो बैक टू 90s, यानी 1990 की बात है, एन अर्ली 2000, वेयर इंडियन गवर्नमेंट वाज ऑब्लिज्ड टू एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ रुपीज 4000 करोड़ एवरी ईयर टू रशिया। 4000 करोड़ का माल हम लोग रशिया को बेचते थे टू डिस्चार्ज इंडियाज आउटस्टैंडिंग लोन, यानी हमने लोन लिया था रशिया से। लोन ही लिया था और उसको रीपे करना है। द इंडियन एक्सपोर्टर वॉज नॉट पेड इन कैश, रिपीट अगेन, हम एक्सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि हमें लोन का पैसा देना था। इंडियन एक्सपोर्टर्स वॉज नॉट पेड, हमें हमने जो एक्सपोर्ट किया उसके बदले में क्या नहीं मिल रहा था, पैसा नहीं, क्योंकि हमने जो एक्सपोर्ट करके हमने उनका लोन चुकाया, पैसे लिए थे उसके बदले में उनको मान लो अनाज दे दिया, गेहूं दे दिए, बट ओनली थ्रू लेटर ऑफ क्रेडिट टू बी ऑनर्ड बाई निगोशिएटिंग बैंक्स फॉर द इंडियन एक्सपोर्टर टू एनकैश देम हियर थ्रू द आरबीआई। अब मुझे बताओ आपको रूपी स्टेट समझा, रूपी स्टेट एक पर्टिकुलर उस समय का हम था, अब तो हो सकता है रूपी स्टेट वाला पैसा हमने चुका दिया होगा, तो आप मुझे बताओ रूपी स्टेट में हमने क्या किया था, वो स्कीम थी उनसे हमने पैसा लिया था और पैसे के बदले पैसा ना देते हम लोग उनको कोई उम्र माल गुड्स उनको दे रहे थे। अब मुझे बताओ, एक तो ये पैसे का कोई पैसा आ नहीं रहा और आप दलाल को पैसे दे रहे हो, तब अलाउड नहीं, दलाल को पैसे देना कब अलाउड है। मान लो मैं कोई एक्सपोर्ट कर रहा हूं उसके बदले में 100 रुपए आ रहे, तो मैं 100 रुपए में से 10 रुपए कमीशन दूंगा, 90 तो घर पे आ रहे। सपोज मैं इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहा हूं 100 का और 10 रुपए का कमीशन दे रहा हूं, तो कितना आया घर पे, 90 तो आ रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी, ये पैसा 100 रुपए जा रहा है, बदले में 1 रुपया भी नहीं आ रहा क्योंकि हमने उनका लोन चुकाया है। अब 100 रुपए में से 1 रुपया नहीं आ रहा, पर आप दलाल को दे रहे 10 रुपया, यानी आया तो कुछ नहीं, घर से घाटा हुआ। वो बोल रहा है इसके लिए मैं आपको एक्सपोर्ट के लिए कमीशन अलाउड नहीं करूंगा। यू विल बी अलाउड टू पे एन एक्सपोर्ट कमीशन ओनली इफ यू आर गेटिंग समथिंग बैक टू इंडिया, बट ये रूपी स्टेट में तो पैसा कुछ आ रहा नहीं और फिर भी आप कमीशन दे दोगे, तो बोलो यार क्या प्रॉब्लम होगा, यानी कि आया तो कुछ है नहीं और जा रहा है, तो वो बोल रहा है कि ऐसा चीज करना अलाउड नहीं
नहीं है, दैट्स ऑल, आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ओके। रुको जरा यार, कहां मैं हूं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया रुपीस का क्या है? उसके बाद में लिखा पेमेंट रिलेटेड टू, भाई दो लाइन बची, टू द कॉल बैक सर्विसेज ऑफ द टेलीफोन। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉल बैक सर्विसेज? ये देखो, कॉल बैक सर्विसेस, कॉल बैक सर्विसेस टेलीफोन्स, मीनिंग क्या लिखा जा रहा है, एक बार चेक करो। इन टेलीकम्युनिकेशन अ कॉल बैक और कॉल बैक अकर्स व्हेन द ओरिजिनेटर ऑफ द कॉल इज इमीडिएटली कॉल्ड बैक इन अ सेकंड्स कॉल एज अ रिस्पॉन्स। क्या कॉन्सेप्ट है ये? कॉल बैक सर्विसेस का मतलब ये था कि जैसे मैंने आपको मिस्ड कॉल दिया, फिर आप मुझे कॉल बैक करोगे आप, और आप मुझे, जैसे एग्जांपल मैं किसी होटल के रूम में हूं और मुझे कुछ चीजों की जरूरत है और मैं रिसेप्शन पे सिर्फ मिस्ड कॉल दे रहा हूं, वो मुझे कॉल कर रहे हैं और पूछ रहे तुम्हें क्या चाहिए, तो क्या उन्होंने मुझे कॉल बैक सर्विसेज दी? आप समझे, ये कॉल बैक सर्विस, कॉल बैक यानी कि कॉल नहीं, कॉल बैक। आई जस्ट गिव यू मिस कॉल, यू विल गिव मी कॉल बैक, ओके। इसको कॉल बैक बोलते हैं। अभी कॉन्सेप्ट समझ के लिए, यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं कि कॉल बैक का देखो, व्हेन द ओरिजिनेटर ऑफ द कॉल यानी मैंने कॉल किया, इज इमीडिएटली कॉल्ड बैक, मैंने आपको कॉल किया, मिस कॉल दिया, आपने तुरंत मुझे कॉल करके पूछा क्या चाहिए आपको, ऐसा ओके? तो आप बोलेंगे कॉन्सेप्ट है क्या? अब जरा देखो, मीनिंग इन फेमा, ये देखो इसमें हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, कॉल बैक्स इज और पता है ये क्यों होने लगा, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था मालूम क्या? ये कॉन्सेप्ट क्या था पता है, कि ऐसा क्यों था, मतलब व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड इट? ये लॉजिक ये था कि मैं पहले आपको कॉल, सुनो जरा, मैं आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बताता हूं। पहले क्या था ना, कुछ मैं आपको कॉल करना, आउटगोइंग वॉज वेरी क्या बोलते हैं, वेरी एक्सपेंसिव, इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव कॉल। तो मैं क्या करता था, मैं कॉल बैक सर्विसेज पर निर्भर था। तो क्या था एग्जाम्पल, ध्यान सुना, इंडिया के अंदर टेलीकॉम था बीएसएनएल, और बीएसएनएल से कॉल करने पे लगता था 50 रुपए एक मिनट का, अगर मैं आईएसडी कॉल कर रहा हूं। अरे पहले बहुत महंगे कॉल थे, तो 50 रुपए एक मिनट का लग रहा था। तो मैंने सोचा इट इज बिकमिंग वेरी एक्सपेंसिव, काम करता हूं मैं फिरंगियों की कॉल बैक सर्विस लेता हूं। तो मैं उनको मिस कॉल देता था, वो मुझे कॉल करते थे, और मुझे इनकमिंग कॉल का सिर्फ 20 रुपीज था, तो मुझे एक मिनट बात करना थी, मैं लगाता उनको तो 50 रुपए, वो मुझे लगाते तो 20 रुपीज, तो मैं ले रहा था कॉल बैक सर्विसेस। तो अब क्या भारत सरकार का दिमाग खराब हो गया, या इंडिया के टेलीकॉम कंपनी लॉसेस में लॉसेस जा रही, तुम फिरंगियों से सर्विसेज ले रहे हो? तो हम कॉल कर रहे हैं तो पैसे ज्यादा लग रहा था, हमने कॉल बैक चालू कर दिया, तो क्या बोल रहा है, कॉल बैक के लिए आज के बाद में इंडिया से कोई भी पैसा जाएगा नहीं, बैंड है, यानी कि यू शुड बी डिपेंडेंट ओनली ऑन व्हाट इंडियन टेलीकॉम। क्या होता है अगर आप सारे काम ऐसे फिरंगियों से करवाओगे, तो इंडिया के टेलीकॉम कंपनी बंद हो जाएगी ना, तो इसलिए उन्होंने इसको बैन कर दिया। तो यहां पे लिखा था उसके बारे में, ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, एक एक लाइन में दिए जरूर है, उसके अंदर गहराई बहुत है। कॉल बैक सर्विस ऑफ टेलीफोन, समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है एवरीबॉडी? और लास्ट पॉइंट, रेमिटेंस ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑन फंड्स हेल्ड इन अ नॉन रेसिडेंट स्पेशल, इतनी गहराइयां है इसमें, ये क्या लाया, नॉन रेसिडेंट स्पेशल रूपी स्कीम, अरे अलग ही चीज है भाई ये, इनकम ऑन फंड्स हेल्ड इन द नॉन रेसिडेंट स्पेशल रूपी स्कीम। पता है आपको कॉन्सेप्ट क्या था? ये कॉन्सेप्ट था, जैसे मेरा भाई है, और मेरे भाई को क्या बोल रहा है यूएस इंडिया गवर्नमेंट, और मेरा भाई यूके में, तो उसको क्या बोल रहे, तू इंडिया में आके एफडी बना, मैं एफडी बना रहा हूं, उससे गवर्नमेंट को खुशी नहीं है, वो क्या बोल रहा है, तू इंडिया में ला, वापस से बोलो, इंडिया के बाहर के लोग इंडिया में पैसे लाके इंटरेस्ट जो कमाएंगे, उन्होंने इंडिया के ही अंदर इंटरेस्ट घलाना चाहिए। मान लो यूके से कोई बंदा इंडिया में आके एसबीआई में एफडी कर रहा है,
तो उसको क्या मिलना चाहिए? इंटरेस्ट मिलेगा ना। तो बोल रहे इंडिया का है ना तू, इंडिया में इंटरेस्ट कमाया ना, इंडिया में घला उसको। बोले वो कमाई में उधर ले जाओ, अगली बार दोबारा इंडिया में मुंह मत दिखाना। तुम्हारा पैसा है ना उधर का, तो एफडी करना ना उधर ही करने का। और अगर तुम इंडिया में कर रहे हो एफडी, तो उसकी जो कमाई है वो आप इंडिया के बाहर नहीं ले जा सकते हो। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? इधर देखिए उसका मतलब क्या है। हर चीज के अंदर मतलब छुपा हुआ है। ये आरबीआई का रूल देखो उसके ऊपर। क्या लिखा है यहां पे? स्पेशल नॉन रेसिडेंट रुपी अकाउंट्स, बराबर है? ओ बच्चों, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? स्पेशल क्या लिखा है? नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपी, अपना भी वही पढ़ रहे हैं, हम लोग कुछ अलग पढ़ रहे हैं। नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपया वही है। SNRR account has been allowed to use to be used for a specified transaction, trade, foreign investment, external commercial borrowing, etc. In lieu of sending inward, ये सब लिखा है, but actually वो नहीं है जो हमें चाहिए। Okay, ये इतना ही पढ़ना है बस। और कुछ special अपन पढ़ non-resident special रुपी, non-resident रुपी अकाउंट, तो कुछ अलग ही दिखा रहा है। ठीक है, एनीवेज मैं आपको ये बता रहा हूं कि नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपी, ये जो कॉन्सेप्ट होता था पहले से, इस कॉन्सेप्ट का ये मतलब है कि अगर नॉन रेसिडेंट, माय ब्रदर इज नॉन रेसिडेंट और स्पेशल रुपी स्कीम, तो उनके लिए हमने एक स्कीम बनाया था कि आप आओ, आपको इंडिया में ज्यादा एफडी के ऊपर इंटरेस्ट देंगे। पर इंटरेस्ट देंगे जरूर, पर आप ले जा नहीं सकते। सो वी आर अट्रैक्टिंग देम टू इन्वेस्ट इन इंडिया, बट एट द सेम टाइम वी आर स्टॉपिंग देम टू टेक देयर फंड्स आउट फ्रॉम इंडिया। तो आप इंडिया में इंटरेस्ट कमाओ, इंडिया में पैसे गलाओ। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? अभी तक आपने प्रोहिबिशन में क्या क्या देखा? पहली बात, इंडिया के अंदर लॉटरी से पैसा जीतेंगे, इसमें से बता दो आपने क्या क्या देख लिया, एक बार खत्म कर दो उसको। आपने लॉटरी विनिंग का पैसा इंडिया के बाहर ले जा सकते हैं? नॉट अलाउड। रेसिंग में बिल्कुल नहीं। उधर इंडिया का बंदा उधर मैगजीन खरीद रहा है, ये हमने किया ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट किया नहीं। हाँ, कॉल बैक के बारे में कुछ बताओ। क्या कॉल बैक का मतलब बताओ? तो कॉल बैक की सर्विसेज आप ले रहे हो, तो उसका पैसा आप इंडिया से बाहर, उसके बाद में क्या लिख रहा है? इंटरेस्ट ऑन व्हाट? नॉन रेसिडेंट को इंडिया के अंदर कोई भी इंटरेस्ट मिला हो स्पेशल स्कीम के अंदर, तो इंडिया से बाहर वो नहीं ले जा सकते। ये हमने अभी तक पढ़ा है। दो बातें इसकी बाकी, वो ब्रेक के बाद में करेंगे। ओके, आई विल सी यू आफ्टर ब्रेक। थैंक यू सो मच। 10 मिनट्स, कम बैक फास्ट। वो आएगा ना, मैं वही करूंगा सर। तेरा दिल डूब रहा, ये लगा रहे तेरा, क्यों नहीं आ रहा रिस्क और अपॉर्चुनिटी के बीच में तो चांस मिलता है, और जो उस चांस के साथ रोमांस करता है वही असली राजा कहलाता है। अच्छाई बुराई, सही गलत, एक ही सिक्के के दो पहलू ही तो हैं।
न जाने कौन सा पहलू तुम्हारी किस्मत बन जाए, किसको पता। तो फिर मुझको सता, तो फिर मुझको ज्यादा तुझे और चाहूं क्या, तेरे ही ख्यालों में डूबा रहा, इससे ज्यादा तुझे और चाहूं तो क्या। उस सारे गम में जाना संग हूं तेरे, हर एक मौसम में जाना संग हूं तेरे, अब इतने इंतहा नाले मेरे मोबाइल में देखा कैसे दिख रहा। कैसी खलाए दिल में बसी है, अब तो खताए फितरत ही सी है। मैं ही हूँ वो जो रहमत से गिरा, वह खुदा गिर गया गिर गया। हर शाम साथ तू होता, चुपचाप दिल यूं रोता, हर शाम साथ तू होता, गुजारा हो मेरे बिन गुजारा अब मुश्किल। ये बहुत डार्क हो गया, नजारा हो तेरा लाइटर मोड़, लाइटर बहुत डार्क है। ये शर्ट के कारण ये नहीं मुझे दिखता है। अजीब सा लग रहा है। चलो जी साफ़
वेरी गुड। जब तक हो बात कुछ होती रहे, बात जब तक हो सामने बैठे रहो तुम रात जब तक हो। जानो देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहां हूं यहां हूं यहां हूं यहां। कैसी सरहदें कैसी मजबूरियां, मैं यहां हूं यहां हूं यहां यहां। दिल कब से धीरा चला राह मुड़े तो मुड़ जाने। बैठे अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ठोलना। दो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहां कहां। तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत और कुछ ना इतना ही जानूं। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। कैसी सरहदें कैसी मजबूरियां, मैं यहां हूं यहां हूं यहां हूं यहां। रब ने हेलो गाइस वेलकम बैक। चलो गाइस लेट्स स्टार्ट। एवरीबॉडी लेट्स स्टार्ट। Thank you.
national. Let's start everyone. Hey guys, let's start. दोस्तों आप सभी जानते हैं हम लोग प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं एंड नाउ वी आर ऑन पॉइंट नंबर 7 जहां पे लिखा है रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड बाय एनी कंपनी, यानी डिविडेंड देने पर भी रोक लगाएंगे, टू विच द रिक्वायरमेंट ऑफ डिविडेंड बैलेंसिंग इज एप्लीकेबल। जिन जिन कंपनी को डिविडेंड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है वो फिरंगियों को डिविडेंड नहीं दे सकते। देखो पैसा इंडिया में बांटना है नो प्रॉब्लम, पर इंडिया से पैसा फिरंगियों को देना है बहुत प्रॉब्लम उन कंपनीज के लिए अगर जिनको डिविडेंड बैलेंसिंग एप्लीकेबल हो रहा है। अगर आपको डिविडेंड बैलेंसिंग एप्लीकेबल हो रहा है तो आप लोग डिविडेंड नहीं दे सकते। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंड बैलेंसिंग? डिविडेंड बैलेंसिंग मीन्स ऑफसेटिंग द आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज फॉर डिविडेंड पेमेंट अगेंस्ट एक्सपोर्ट। यानी कि जिन लोग को डिविडेंड बैलेंसिंग एप्लीकेबल है वो क्या बोल रहे हैं कि आप डिविडेंड मत दो, आप उसके बदले एक्सपोर्ट कर दो। यानी कि फॉर एग्जांपल एसपीसी को डिविडेंड बैलेंसिंग एप्लीकेबल है और बहुत वर्ल्ड से लोगों ने पैसा इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है एसपीसी के अंदर, तो वो तो बोलेंगे हमको डिविडेंड दे दो। तो मैं जब डिविडेंड देने लगूंगा तो गवर्नमेंट बोलेगी डिविडेंड मत दो। कौन सी गवर्नमेंट? फेमस गवर्नमेंट। वो क्या बोलेगी? आपको डिविडेंड बैलेंसिंग एप्लीकेबल है, आप डिविडेंड मत दो, उसके बदले सीए फाउंडेशन सीए इंटरमीडिएट की पेंडर भिजवा दो, वो चलेगा। पैसे नहीं दूंगा। क्या लिखा है? डिविडेंड बैलेंसिंग मीन्स ऑफसेटिंग द आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर डिविडेंड पेमेंट्स अगेंस्ट एक्सपोर्ट। पैसे दिया अलाउड नहीं, पैसे के बदले में एसपीसी के कोर्सेज दूंगा, चलेगा। यानी कि हमारी लक्ष्मी हमारे घर पे ही है, हमारे इंडिया से उधर रुपीस जाना अलाउड नहीं है। अगर डिविडेंड बैलेंसिंग बैलेंसिंग करो, यानी डिविडेंड अगर आपको 10 लाख देना है, 10 लाख के बदले रुपीस के बदले माल भिजवा दो, चलेगा। अरे यार, मान लो बजाज कंपनी को डिविडेंड बैलेंसिंग एप्लीकेबल है, वो क्या बोल रहा है? अगर डिविडेंड बैलेंसिंग एप्लीकेबल है, ओके फाइन, एक काम करो डिविडेंड मत भेजो, डिविडेंड के बदले गाड़ियां भेजो, चलेगी। अंडरस्टूड एवरीवन? अरे समझ आया कि नहीं आया? डिविडेंड बैलेंसिंग जिसको, देखो आम तौर पर सारी कंपनियां डिविडेंड बाहर देती है, बट जिनको डिविडेंड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है वो लोग डिविडेंड का रुपया नहीं देंगे बल्कि उसके बदले में माल देंगे, माल एक्सपोर्ट कर सकते, पैसे नको दो। ओके आगे, हाँ तो इसके लिए अलाउड है जिसको डिविडेंड बैलेंसिंग एप्लीकेबल है, तो इट इज लाइक बाय डिफॉल्ट डिविडेंड बैलेंसिंग उनको एप्लीकेबल है ना। एंड स्पेशली हु आर हैविंग द फॉरेन इन्वेस्टर्स, उनके इन्वेस्टर्स कहां के हैं? शेयर होल्डर्स बाहर के हैं, तो उनको डिविडेंड देना था तो बोलता डिविडेंड मत दो, क्या देंगे उसके बदले में? काइंड में दे दो। उसके बदले और एक कॉन्सेप्ट है पेमेंट, पॉइंट 4 पढ़ रहा हूं, पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट मेड टूवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर होली ओन सब्सिडरीज अब्रॉड ऑफ इंडियन कंपनीज। यानी इंडिया की कंपनी का इंडिया के बाहर हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? जेवी डांस होना, पेमेंट ऑफ कमीशन क्या अलाउड नहीं है? पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट ये अलाउड नहीं है, पर किसका? मेड टूवर्ड्स, क्या लिखा है? इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर, मेड टूवर्ड्स, यानी कि कमीशन दिया ऑन एक्सपोर्ट, इसको देखता ऐसे तो एक्सपोर्ट मेड टूवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर और होली ओन सब्सिडरीज। यानी अपनी ही कोई सब्सिडरी इंडिया के बाहर है उसको हम लोग कर रहे एक्सपोर्ट, उसके लिए किस बात का कमीशन? मैं अपने ही कंपनी को कुछ एक्सपोर्ट कर रहा हूं जो इंडिया के बाहर है, वो तो मैं वैसे ही पहचानता हूं ना, उसके लिए क्या कमीशन दे रहे हो? आई रिपीट, मैंने अपने रिलेटिव को कुल माल बेचा है तो उसमें ब्रोकर की क्या जरूरत है? तो वैसे मेरी कोई सब्सिडरी होली ओन इंडिया के बाहर है जिसको मैं कुछ एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो उस माल बेचने के लिए मुझे ब्रोकर की जरूरत नहीं है, बिकॉज एनीवेज आई नो देम, सो व्हाई शुड आई पे
Why should I pay commission? इसलिए इसको जानने के लिए ध्यान से पढ़िएगा. Indian companies are not allowed to make equity investment in foreign subsidiary JV by sale of goods, and no commission can be paid on the schemes. Example सुनिएगा. Don't talk guys. SP Limited is an Indian company. Wishes to take equity in DIP Incorporation USA. यानी हम लोग इंडिया के हैं और उधर क्या लेना चाहते हैं? इक्विटी. इक्विटी समझते हैं? मतलब उनका स्टेक लेना चाहते हैं. Instead of sending money as equity, SP Limited sends the goods and machines. क्या भेज रहे हैं हम लोग उनको? अच्छा, मतलब पैसे नहीं दे रहे हैं, उसके बदले गुड्स दे रहे हैं ताकि उनका स्टेक मिले. FEMA does not allow any commission to be paid against such export sale. मैंने US की एक कंपनी में स्टेक लेना है तो पैसे देना चाहिए ना. मैं पैसे नहीं दे रहा, मैं क्या दे रहा हूं? तो गुड्स दे रहा हूं. तो गुड्स दे रहा हूं ना, तो मैं अपने वाले को गुड्स भेज रहा हूं ना. तो उस गुड्स थोड़ी ना मैं बेच रहा हूं, मैं भेज रहा हूं ताकि मुझे उसका स्टेक मिले. वो जो गुड्स भेज रहा हूं ना, मैंने क्या भेजना चाहिए था? पैसे. पैसे के बदले 30% स्टेक मुझे मिलना चाहिए था. एग्जाम्पल, तो मैं 30% स्टेक लेने के लिए पैसा नहीं भेज रहा. व्हाट आई एम सेंडिंग? तो बोल रहा है गुड्स भेज रहा हूं ना, गुड्स भेज दो. गुड्स के ऊपर आप कमीशन ब्रोकरेज नहीं दे सकते हो. सर ये जो आप पढ़ा रहे हो, मतलब एज ए स्टूडेंट हमें क्या ध्यान रखना है, क्या करना क्या है? वो एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, दो चार चार मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, चार केस स्टडी पूछेंगे. ये इसने ऐसा किया, अलाउड नहीं अलाउड. अलाउड है तो आरबीआई लगेगा कि सीजी लगेगा, या प्रोहिबिटेड है. दो ही पॉइंट है, प्रोहिबिटेड या तो अलाउड. प्रोहिबिटेड बोलते कुछ भी नहीं होगा, और अलाउड बोलते दो ऑप्शन है, एक सीजी के परमिशन से, एक आरबीआई के परमिशन से. गेटिंग एवरीवन? ओके. रीजन, दिस ट्रांजैक्शन डज नॉट ब्रिंग एनी फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया, सो नो फॉरेन एक्सचेंज कैन बी एक्सपेंडेड फॉर द सेम. चलो मैं कुछ माल बेच रहा हूं और जिसके बदले में कुछ पैसे आ रहे हैं, उसके लिए मैं कुछ ब्रोकरेज दे रहा हूं, चलेगा. पर यहां पे मैं माल बेच रहा हूं, कुछ आ तो नहीं रहा, पर पैसे कमीशन के जा रहे, वो अलाउड नहीं है. देखो सुनो ध्यान से, मैं बजाज कंपनी में गाड़ियां बेच रहा हूं, एक्सपोर्ट करो, क्या आएगा गाड़ी के बदले? पैसा आएगा. 1 लाख की गाड़ी बेची, 1 लाख रुपए आएगा, उसका 10,000 रुपए ने ब्रोकरेज दिया, वो चलेगा. पर आपकी बार में माल भेज रहा हूं क्या खरीदने के लिए? स्टेक लेने के लिए. पैसा लेता तो मैंने माल भेजा, और माल भेजने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है? कमीशन. वो बोलता है तुम साला माल भेज के कुछ ला तो नहीं रहे हो, और इंडिया से कमीशन ले जा रहे हो, ऐसा अलाउड नहीं है. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस. अभी हमारा प्रोहिबिटेड सब कॉन्सेप्ट खत्म हो गया. अब हम लोग पढ़ रहे हैं स्केड्यूल नंबर 2. यहां पे लिखा है ये सारे निम्नलिखित ट्रांजैक्शन करना आपको अलाउड है, सब्जेक्ट टू द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. अंडरलाइन द वर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अब ये काम कर सकते हो, हां कर सकते हो, इसके लिए इंडिया से पैसा बाहर जाएगा. आप कोई कल्चरल टूर कर रहे हो, आप हो अरिजीत सिंह, आप हो हनी सिंह, आपको जाना है इंडिया के बाहर, आप हो सलमान खान, आपको इंडिया के बाहर जाना है, आप इंडिया के बाहर टोरंटो में जाके, इंडिया के बाहर में टोक्यो में जाके, किधर भी जाके आपको अपना एक वो करना है, इवेंट करना है. होता ना, बहुत लोग जाते हैं इंडिया जाके टूर करते, वहां पे बहुत सारे लोग इंडियंस लोग तो कहीं भी है, इनको सुनने आ जाते, आप देखते हो ना सर. आप वो क्या बोल रहा है, इंडिया के बाहर जाओ, प्रॉब्लम नहीं है, पर ऐसे टूर करने के लिए कितना पैसा आप ले सकते हो? जितना भी ले जाओगे परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट की लगेगी. क्या करते हैं लोग उधर जाके पैसा कमाते, सीजी के बोले के पैसा चाहिए तुझे, क्योंकि आप आपके साथ में और बहुत सारे लोग होंगे, उधर की जगह आप लोगे तो उधर का कुछ किराया लगेगा, उधर की भी आर्टिस्ट लगेंगे. अरे भाई अरिजीत सिंह डांस नहीं करता, उसके पीछे दूसरे डांसर्स होते हैं, बराबर ना. बहुत सारे कोई लोग म्यूजिशियंस होते हैं, अब इसके लिए उसको बहुत खर्चा लग रहा है. अरिजीत सिंह बोला बहुत पैसा लग रहा है, तो अरिजीत को बोलेंगे पैसा ले ले, याद रखिए वो टिकट का जो पैसा आएगा ना उधर लेके आना इंडिया. तो सीजी बोलेगा ये ऐसा मत कर कि इसे तू इधर से लेके जा रहा है, तो तू कुछ भी करना है अगर तुम्हें कल्चरल टूर के लिए 1 रुपया भी खर्चा करना है तो आपको किसकी परमिशन लगेगी? और सीजी के अंदर भी बहुत सारे मिनिस्ट्रीज है, उसमें भी आपको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की परमिशन लगेगी. इसका याद मत रखना, आप सिर्फ सीजी बोलना है, ये सब एचआर
अजंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ दिस, मिनिस्ट्री ऑफ दैट, उसमें बोला मिनिस्ट्री की परमिशन लगी। ओके फाइन सर, मुझे इतना याद रहना और कुछ नहीं याद रहना, बेस्ट है, आगे बढ़ेंगे। एडवर्टीजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया फॉर द पर्पस अदर देन द प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड द इंटरनेशनल बिडिंग। ऐसा इसका मतलब कोई इंडिया का बंदा इंडिया के बाहर जाके उधर के, यू नो द मीनिंग ऑफ प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर में जाके एडवर्टीजमेंट। अरे इंडिया के न्यूज़पेपर मर गए क्या? बोले नहीं, उधर मैं देना चाहता हूँ। अच्छा, यहाँ पे लिखा है आप इंडिया के बाहर एडवर्टीजमेंट करना चाहते हो, प्रोहिबिटेड नहीं है, करना है करो, पर आपको सीजी की परमिशन चाहिए। अरिजीत सिंह को जाने को रोका नहीं है, जा भाई जा और जा, देश का नाम बड़ा, उसको अकेले मिलेंगे। देखा अरिजीत तू जा रहा है ना, याद रखियो ये खर्चा हम तेको दे रहे हैं, तो जो टिकट का सेल होगा ना इधर आने का इज्जत में, वरना आना नहीं इंडिया में। ये एडवर्टीजमेंट को बोलेंगे ले जा पैसे ले जा, एडवर्टीजमेंट करना है कर ले, पर सुन ले उधर से जो धंधा बनेगा, समझ रहे हैं ना। ये क्या होगा ना अगर ऐसा सबको बोल दिया तुम कुछ भी एडवर्टीजमेंट करोगे साला इंडिया में रोक टोक नहीं, तो कोई भी कितनी भी एडवर्टीजमेंट करेगा इंडिया के बाहर जाके, तो सीजी बोल रहा है करो और करो, पर मुझे ऐसा होता ना घर के बाहर जाना अलाउड नहीं, ऐसा नहीं होता है। जाओ, पर आप भले ही पूना में रहते हो पर कभी भी आपको रात में लेट हो रहा तो आपको पहले बताना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप घूमे जा रहे हो ऐसे। चलो मान लो दे आर नॉट स्टॉपिंग यू, आर नॉट इवन प्रोहिबिटेड, बट अचानक से वीडियो कॉल आया तो क्या बोलोगे? कहां थी मैं, कहां था मैं, व्हाट, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ करने के अंदर कांड कर देते हैं वो लोग, स्विच ऑफ नहीं करना कभी फोन, वो इतने फोन लगा देंगे आपके दोस्तों को इधर उधर करके, बात का बतंगड़ हो जाएगा। इज्जत में वीडियो कॉल आया तो उठा लेने का और सच बोल देने का। क्या बोलना यार, मतलब जो ही बोलना जो तुम कर रहे थे। आपसे एक सवाल मैं पूछूं, यहां कह रहा है अदर देन द प्रमोशन ऑफ टूरिज्म फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनेशनल बिडिंग बाय स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि ये चलेंगे, इसके लिए सीजी की परमिशन नहीं लगी। जैसे इंडिया में आप जाके, मैंने बहुत कंट्रीज में देखता हूं मैं, इंडिया के लोगों की इंडिया के टूरिज्म की एड इंडिया के बाहर होती, पधारो इंडिया। अब एड कहां पे लगी? यूएस के एयरपोर्ट पे एड लगी, दुबई के एयरपोर्ट पे, और क्या लग रहा है, आओ इंडिया, वो चलेगी। उसके लिए कितना भी पैसा खर्च करो, इंडिया के लोगों, इंडिया की गवर्नमेंट बोल रही है मुझसे पूछो भी मत, क्योंकि ये टूरिज्म करोगे तो और फिरेंगे लोग इंडिया में, आएंगे तो और बहुत सारे डॉलर लेके आएंगे, वो चलेगा। साथ साथ में आप कोई ऐसी एड कर रहे हो उधर जाके जिसका क्या बोल रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनेशनल बिडिंग बाय स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि आप कुछ ऐड कर रहे हो इंडिया के आईपीओ की उधर, तो क्या होगा आईपीओ की इधर ऐड करने से पैसा किधर का आएगा? आप इंडिया में पैसा खींचने के लिए कोई ऐड कर रहे हो, यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल बिडिंग, गवर्नमेंट बोलता है और करो, क्योंकि ये सब करने से क्या होगा, पैसे इंडिया में आएंगे। एवरीबॉडी, तो बताओ अभी तक क्या समझा? इंडिया के बाहर कल्चरल टूर करना है तो सीजी की परमिशन लगेगी, इंडिया के बाहर कोई भी ऐड करना है तो सीजी, पर ऐड करते समय अगर वो टूरिज्म की ऐड होगी, इन्वेस्टमेंट की ऐड होगी, उसमें सीजी की परमिशन की जरूरत नहीं। आ गया रेमिटेंस ऑफ फ्रेट ऑफ वेसल चार्टर्ड बाय, पहले तो वेसल पता नहीं, उसमें पीएसयू पता नहीं, आओ ना देखो ना, आ जाओ। अच्छा ये वेसल है क्या? हाँ ये तो देखा है पर पता नहीं इसको वेसल बोलते, ओके वेसल बोलते हैं इसको। अभी क्या कॉन्सेप्ट है, रेमिटेंस ऑफ अ फ्रेट, फ्रेट यानी भाड़ा, किराया, इसका किराया देने का है इसका। अरे बहुत बड़ा है तो कुछ ना कुछ तो किराया लेता होगा। चार्टर्ड बाय अ पीएसयू, पीएसयू का मतलब स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज इन इंडिया इज कॉल्ड एज पब्लिक सेक्टर और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, दिस कंपनीज आर ओन्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट की कोई भी कंपनी को हम पीएसयू कहते हैं। कोई भी गवर्नमेंट कंपनी अगर वेसल का भाड़ा दे रही होगी, किराया दे रही होगी, तो वो तब तक नहीं दे सकती जब तक सीजी का परमिशन नहीं मिला, दैट्स इट। अभी तक तीन बातें देखी, अरिजीत सिंह को शो करना है सीजी को परमिशन, इंडिया के बाहर ऐड करना है सीजी के, अगर आपको ऐसे वेसल का किराया देना है, और किराया कौन दे रहा है, पीएसयू दे रहा है।
इंपोर्ट थ्रू ओशियन, क्या लिखा है? पेमेंट ऑफ इंपोर्ट थ्रू ओशियन, ओशियन ट्रांसपोर्ट क्या होता है, शिप के थ्रू, बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पीएसयू ऑन सीआईएफ बेसिस। अब क्या है, पेमेंट ऑफ, पेमेंट ऑफ इंपोर्ट, आपकी बार किराया नहीं दे रहे हो, आप माल खरीद रहे हो, माल चाइना से माल लाया, किसने लाया, बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो या पीएसयू कोई कंपनी हो, पीएसयू मतलब कौन सा एग्जांपल, आईआरसीटीसी बोल सकता हूं पीएसयू, अरे बोलो यार, आईआरसीटीसी पीएसयू नहीं, आपका है क्या, हमारा है नहीं ना, प्राइवेट पब्लिक है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, सेल भेल सब लगा दो उसमें, कोल लगा दो। पीएसयू कोई भी इंपोर्ट करेगा तो वो इंपोर्ट के बदले उसका पैसा, इंपोर्ट करे तो भाई साहब पैसा देना पड़ेगा, तो पैसे देंगे तो बोल रहे वो पैसे कितने भी दे सकते हैं, पर सीजी को पूछना पड़े। ये देखो इसको बोलते हैं ओशियन, ऐसा कुछ तो कंटेनर से माल आएगा ना उधर से, तो अगर ये माल रिलायंस ने मंगवाया तो प्रॉब्लम नहीं, आगे बोलो यार, गवर्नमेंट कंपनी ने मंगवाया तो गवर्नमेंट कंपनी उसका पैसा तभी दे सकती है जब वो गवर्नमेंट से पूछेगी, गवर्नमेंट, अरे अपने भी तो, अपन भी तो अपने मम्मी पापा से पूछते ही ना, तो ये जो आईआरसीटीसी अगर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से पूछे तो क्या बड़ी बात हो गई, समझ आ रहा नहीं आ रहा? अच्छा इंपोर्ट करेगा नहीं करेंगे, कौन करेगा, पर आफ्टर टेकिंग द सुपर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेट्स ऑपरेटर्स मेकिंग रेमिटेंस टू देयर एजेंट। मैं आपको समझाता हूं कैसे, किसी को यहां पे उसका शौक है टूर्स का, टूर्स ट्रैवल्स, आपको घूमने का शौक है बहुत, देर शौकीन, घूमने का बहुत शौक होता है लोगों, और इतना शौक होता है लोगों को घूमने का, मतलब दे आर क्रेजी, अगर उनको बोला कि यार टूर पे जाना है, ट्रेकिंग करना हो या मान लो इंडिया के बाहर घूमना है, दे लव इट। और कुछ लोगों ने सीए करके अपना उसको धंधा बनाया हुआ, दे आर इन टू इट, दे मेक प्लान फॉर यू नो, एक चार स्टूडेंट ने मिलकर एक बार ऐसे में क्रिकेट मैच खेल रहा था, तो टूर्नामेंट में एक और एक अपोनेंट थे वो, तो उसमें उनको सपोर्ट करने के लिए चार लड़के आए थे, तो अब हम तो मैच खेल रहे थे, मैच होने में वो चार लड़के बोले सर आप इधर, मतलब मैं एक क्रिकेट खेल रहा हूँ, बोले आप, बोले सर हमारे दोस्त क्रिकेट खेलने इसलिए हम आए थे, बोले आप क्या करते हो, बोले सर हमने चारों ने मिलकर ये टूरिज्म की कंपनी बनाई हुई, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को टूर्स करवाते, अगर मान लो कश्मीर जाना है तो हम लोग 50 लोगों को लेके जाते हैं, 30 लोगों को लेके जाते हैं, और उनका पूरा प्लान करवा के देते हैं, और ना कि सिर्फ इंडिया में, हम एब्रॉड में भी सब प्लान करवाते हैं, तो हम लोग को कभी कभी तो हम लोग भी जाते हैं, तो हम लोग भी पूरा वर्ल्ड एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमें उसमें मजा भी आता है, और वही हमारा काम है, और चारों के चारों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, मतलब शौकीन चार दोस्त, ऐसे दोस्त भी मिलना चाहिए जिसके सबके इतने लाइक, जॉब वॉब छोड़ दिया कुछ नहीं, चारों मस्त, और दे वॉन्ट टू मेक अ वेरी बिग ट्रैवल कंपनी, हो सकता है। अब चार चार्टर्ड अकाउंटेंट इतने बुद्धिजीवी लोग आके अगर ऐसा अनस्ट्रक्चर्ड बिजनेस करेगा तो लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा, चलो कम से कम सीए कर रहा है ढंग का तो करेगा, अच्छा प्लानिंग करेगा, कॉस्टिंग कम करेगा, कुछ तो दिमाग लगाएगा। अब ये लोग क्या करते हैं ना, बोले सर हम लोग ऐसा काम नहीं, मैंने कहा अगर मतलब मुझे जाना है मालदीव जाना है या मुझे यूरोप जाना है तो आप क्या करोगे, बोले सर हमारे पूरे वर्ल्ड वाइड एजेंट्स है। अब उधर आप एयरपोर्ट पे उतरे हो तो आपको कोई तो इनोवा लेके आना चाहिए जो आपको होटल तक पहुंचा, एयरपोर्ट पे तो रहोगे नहीं आप, तो एयरपोर्ट पे कोई गाड़ी आएगी और गाड़ी ले जाके आपको उधर उधर के होटल ले जाएगी, फिर आपका घूमना हो गया तो होटल में से वापस एयरपोर्ट पे लेके आ जाएगी, तो कोई तो गाड़ी चाहिए, वो गाड़ी के लिए उनके एजेंट्स हैं। और ये क्वेश्चन वही बोल रहा है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स मेकिंग रेमिटेंस टू देयर एजेंट्स अब्रॉड, यानी कि चिंटिया उधर जितना भी पैसा देगी वो दे सकती है, पर उनको सीजी को पूछना पड़े, क्योंकि उधर का जो बंदा है एजेंट, जैसे इंडिया में वो होते ना एजेंट 15-20 उनके इसमें इनोवा है और वो भाड़े पर देते हैं, ऐसे होते ना टूर्स वाले, वैसे उधर के लोगों का भी धंधा है, हर कंट्री में गाड़ी तो लगेगी ना, तो ये क्या करते हैं अपना कॉन्टैक्ट उधर वाले एजेंट से करते हैं, फिर वो एजेंट क्या बोलता है मेरा भी कुछ तो भी मार्जिन होना चाहिए, मैं आपके लिए इतने जुगाड़ कर रहा हूँ, तो ये चिंडिया क्या करती है उनको कुछ देती है कमीशन, ताकि उधर का लोकल काम संभालता है। अभी हर जगह पे थोड़ी ना ड्राइवर से डायरेक्टली पहचान इनकी होगी, तो उधर का एजेंट को ये पैसा देता है। यहाँ पे तो मालदीव में तो कैसा होता है, मालदीव में तो गाड़ियां नहीं होती, वो वहां से चौप वहां से फ्लाइट से पानी वाली फ्लाइट होती है, वो फ्लाइट से उड़ा के आपको होटल ले जाते, समझो आप एयरपोर्ट उतरे तो जमीन पे लैंड किया आपने, फिर वो वापस आ गया, तो फिर वो क्या करते हैं बाजू में पानी में ले जाते,
वो पानी में और एक फ्लाइट में बिठा दे, छोटी सी फ्लाइट होती है, वो पानी से टेक ऑफ करती है, फिर और पानी में लैंड कराती और एकदम बिल्कुल आपके जिस होटल में रुके हो आप उसके बाजू में रुकाएगी। तो क्या होगा, अभी यहाँ का बंदा कोई मालदीव से ये काम करा रहा है तो उसको वहां का लोकल ट्रांसपोर्ट वाले से पहचान होना चाहिए ना, भाई तेरी फ्लाइट उड़ा के लेके जाना, नहीं तो अपन एयरपोर्ट पे पहुंचेगी पर होटल जाते ही नहीं आएगा, क्योंकि एयरपोर्ट और होटल में इतना बड़ा समंदर है, क्योंकि वो पानी पानी ना आइलैंड से बना हुआ है वो, तो अभी एयरपोर्ट के लिए जमीन मिल गई वहां पे एयरपोर्ट बना दिया, वो होटल के यहां से 50 किलोमीटर दूर है पर वहां से कैसे उड़ेंगे। तो फिर वो आपको कभी बोट यहाँ पे जाते हम लोग, एक होता है फेरी, फेरी देखी थी मैंने सबसे पहले हांगकांग में, अपन लैंड करते तो हांगकांग के बाजू में एक जगह है मकाओ, तो मकाओ में जमीन ही नहीं, वहां पे एयरपोर्ट से नहीं जा सकते आप, तो हांगकांग में उतरते हैं और वहां से फेरी में जाके आपको मकाओ ले जाते पानी से, 2 घंटे का वो ऐसा कुछ रहता है और वहां से जाते। अब बताओ यहां से बंदा आपको हांगकांग तो पहुंचा देगा, हांगकांग से कहां लेके जाएंगे फेरी में, तो उसको लोकल एजेंट के साथ में इधर के लोग, क्योंकि अपन तो बोलेगा भाई मेरे को तो होटल तक पहुंचा। तो अब एक होटल है बहुत अच्छी, वेनेशियन नाम है उसका, वर्ल्ड की एक्सक्लूसिव एक ही 7-स्टार होटल है, उसके लिए लोग जाते हैं वहां पे मकाओ में। कभी आप ये सारी चीज सुन लेना, बाद में पैसा आए तो करना, ठीक है ना, 10 साल में आपके बहुत माल आएगा, सब करोगे आप, ठीक है। तो ये आप जाओगे उधर तो आपको वेनेशियन में जाना, तो आपको पता ही नहीं वहां के लोकल एजेंट्स कौन है, वहां की गाड़ियां कौन से आ गए, ये सब लोग मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट के लिए इंडिया के बहुत लोग उधर के लोगों को क्या देते हैं, कमीशन दे दे, ओवर दे सकते हैं सब्जेक्ट टू द परमिशन ऑफ सीजी, हो गया कॉन्सेप्ट ओवर है, तो दे सकते हैं, कमीशन देने में प्रॉब्लम नहीं है, सीजी का परमिशन चाहिए वो उनका मुद्दा है। यहां आगे रेमिटेंस ऑफ हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपॉन्डर्स, अब पहली बात तो ट्रांसपॉन्डर्स क्या है, ट्रांसजेंडर नहीं भैया, ट्रांसपॉन्डर्स, चार्जेस ऑफ ट्रांसपॉन्डर्स बाय अ टीवी चैनल्स, ये आईएसपी क्या होता है, इंडिया के 2 ISP बताओ, जियो एयरटेल, अरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जियो एयरटेल, वो क्या बोल रहा है, क्या होता है, यहां से कॉल करना है आपको दुबई, यूएस कॉल करना है, अब जियो की लाइंस पूरे यूएसए तक नहीं है, आई विल रिपीट अगेन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं इंडिया के, यहां से उनको ईमेल भेजना है पर उनकी खुद के टावर्स पूरे वर्ल्ड में नहीं होते, वो क्या करते हैं जगह 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 उनके एसोसिएशन होते हैं, आई विल रिपीट अगेन, इंडिया से इंटरनेट से या कॉल से आप कुछ कर रहे हो तो आपका कॉल तो वर्ल्ड में कहीं भी लगता है, पर सवाल उठा कि जियो का इंटरनेट का नेटवर्क क्या पूरे वर्ल्ड में है क्या, नहीं है, तो क्या कहते हैं हर एक कंट्री में उनके ये क्या बोलते हैं रेमिटेंस ऑफ व्हाट हायरिंग चार्जेस देना पड़ते हैं उनको, ताकि वो वर्ल्ड वाइड अपना नेट, देखो भाई जियो ने अपने इंडिया में केबल फैला करके वो अलग बात है, अभी इंडिया के बाहर निकलने के बाद में जब उनको अपने कॉल्स अपने केबल्स, अभी फाइबर ऑप्टिक तो उन्होंने पूरे इंडिया के गड्ढों में खोद खोद के डाल दिए सब, अभी फिरंगियों को भेजना तो उधर थोड़े ना गड्ढे खोद देंगे रिलायंस को, तो उधर का ऑलरेडी कोई तो उधर का अच्छा होगा बैठा हुआ उधर का जियो, तो वो आपस में संबंध बनाते हैं, और एट द सेम टाइम वाइस वर्सा भी होता है कि जब तुम्हें इंडिया को कॉल करना तो हम तुम्हें देंगे नाम, तो वैसा होता है, तो क्या होता है रेमिटेंस ऑफ हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपॉन्डर्स बाय अ टीवी चैनल एंड इंटरनेट सर्विस, यानी कि हम लोग अगर इंडिया के बाहर ऐसे कोई पैसे यानी जियो कुछ पैसे दे रहा है उधर के बाहर तो उसको किससे पूछना पड़ेगा, सीजी, ये देखो ट्रांसपॉन्डर्स का मतलब देखिए, ट्रांसपॉन्डर अ डिवाइस फॉर रिसीविंग रेडियो सिग्नल एंड ऑटोमेटिकली ट्रांसमिटिंग व्हाट, यानी मैं यहां से कॉल करूंगा इंडिया तक कश्मीर तक जियो का लाइन है, पर जैसे कश्मीर क्रॉस कर एग्जाम्पल दे रहा हूं तो उसके बाद में तो जियो का नेटवर्क खत्म है पर कॉल तो लगना चाहिए, उसके बाद में ट्रांसपॉन्डर से वो क्या करते हैं वो दूसरा नेटवर्क यूज करके वो कॉल आगे आगे जाता है, वो तो अंदर की बात है अपने दिमाग की बात है, अपन कॉमर्स के स्टूडेंट है सुनो मेरी बात, ऐसा कोई तो डिवाइस होगा जिसके हमारे कॉल लगने से मतलब, हमारा क्या मतलब है कॉल लगना चाहिए और कॉल कैसे लग रहा कोई मतलब है, पर ऐसा कुछ होता होगा दुनिया में, इसके अगर चार्जेस देना है तो कितने देंगे चार्जेस, अरे कितने देंगे कौन देगा, देना किसको भी देना इंडियन देगा पर उतना देगा जितना सीजी बोलेगा। आगे रेमिटेंस ऑफ क्या लिखा, कंटेनर डिटेंशन चार्जेस एक्सीडिंग, बहुत बार क्या होता है ना इंडिया के अंदर कुछ चीजें, आपने कभी सुना है वर्ड डिटेंशन, कंटेनर तो सुना होगा कंटेनर, वो जो आपने अभी ये सब देखे था ना कंटेनर्स होते हैं कौन से ये वाले ये सब मान लो कंटेनर, इसके अंदर देखो कंटेनर्स है, आपको कंटेनर्स में क्या क्या होता है, एक कंटेनर्स में सारा इंपोर्टेंट माल, यहाँ पे एक्चुअली बड़े बड़े कंटेनर्स दिख रहा छोटा सा, एक एक ट्रक भर का माल लोड होता है एक कंटेनर में, दे आर वेरी बिग साइज, और क्या होता है कभी कभी क्या होता है ये क्या बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी को क्या बोलते हैं हम लोग कस्टम, ये कस्टम में माल अटक जाता है, अब एक कस्टम में माल अटका है ये
दो पोर्ट इंडिया में फेमस है, एक बॉम्बे और एक अडानी का, कौन सा है? गुजरात में। हाँ, वो दो जगह पे बहुत बड़े बड़े अपने पोर्ट्स है और वहां पे आके रुक जाते हैं क्योंकि उसको इंडिया में एंट्री नहीं। कुछ आपने ऐसा आपत्तिजनक चीजें ला मान, हो सकता है AK-47 लाया होगा सब लोड करके, और वो बोल रहे यहीं पे रुका उसको, ये रुका ये जाएगा ना। अब क्या वो चक्कर में वो प्रॉब्लम नहीं, वो तो राबार रुक गए, पर प्रॉब्लम है एक कंटेनर रुक गया 30 दिन के लिए वहां पे। अब रुको यार, 30 दिन के लिए कंटेनर रुक गया, अब उसका किराया 1 लाख रुपए रोज का, वो एयर कौन सा क्या बोलते उसको पोर्ट पे। कंटेनर को जगह लगती है, ये वेसल अनलोड करके भग जाएगा वापस उसकी कंट्री में। ये तो सिर्फ टाइमिंग यहाँ पे है, उसको तो अपने कंट्री में जाना है। ये अनलोड करके चले गया इंडिया की धरती पे, अब वो पड़ा है पोर्ट पे अडानी, अडानी बोल रहा है इसका रेंट दो, वो बोल रहा है सब इंडिया में अलाउड नहीं। भाई तू इंडिया में जब तक ये जमीन पे रख रहा है ना तो तब तक मेरा, अगर तुझे प्रॉब्लम है तो पानी में डाल और एक कंटेनर को उठा यहाँ से, बराबर है? वो बोलेगा मेरी जमीन अटका है ना तूने, तो उसका किराया 30 लाख रुपए हो गया। तो वो बोल रहा है ये इसका किराया आप नहीं दे सकते जब तक सीजे नहीं बोलेगा। रेमिटेंस ऑफ कंटेनर डिटेंशन चार्जेस एक्सीडिंग द रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय, समझा क्या बोल रहे हैं? यानी गवर्नमेंट ने उसके रेट दिए होंगे, भाई 100 रुपए रोज का किराया दूंगा हम, और आप बोले मैंने 1 लाख दिए तो बाकी सब तुम तुम्हारी जेब से भरना है, वो तो ठीक है, पर उसके लिए परमिशन किसकी लगेगी? यानी कि सीजी ने मान लो एक कुछ प्रमाण अलाउड किया हुआ है डिटेंशन, उसके ऊपर जाना है, यू शुड टेक द परमिशन ऑफ सीजी। एवरीबॉडी आगे नेक्स्ट। सर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग करंट अकाउंट पढ़ रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने पढ़ा था कौन से ट्रांजेक्शन करना प्रोहिबिटेड है। आप पढ़ रही है प्रोहिबिटेड नहीं, अलाउड है, पर हर किसी चीज में आपको सीजी से पूछना है। आगे, रेमिटेंस ऑफ प्राइज मनी स्पॉन्सरशिप और स्पोर्ट्स एक्टिविटी अब्रॉड बाय ए पर्सन अदर देन इंटरनेशनल, ये देखो यही किया था बाइजूस ने, ये देखो फुटबॉल के ग्राउंड के ऊपर वो सिर्फ फीफा का स्पॉन्सरशिप लगना चाहिए, तो वहां पे बाइजूस बाइजूस दिखवा दिया, अभी तो बंद ही हो रहा है, तो 320 करोड़ गला दिया इसने। वो रहा ये सब ग्रैंड मस्ती करना है ना आपको, तो इधर देखो क्या लिखा है। रेमिटेंस ऑफ, देखो प्राइज मनी स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी अब्रॉड, फीफा को दिया स्पॉन्सरशिप बाइजूस ने बाय ए पर्सन अदर देन इंटरनेशनल। ये ना इंटरनेशनल की बॉडी है, ना नेशनल की बॉडी है, ना स्टेट की बॉडी है, कौन है बाइजूस? एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वो क्या कर रही है स्पॉन्सरशिप दे रही। इफ द अमाउंट इन्वॉल्व एक्सीडिंग, कितना बोल रहा है? $1 लाख। ये अवला कितना दे रहा है? $40 मिलियन दे रहा है, यानी बहुत पैसा दे रहा है। एक मिलियन यानी कि 10 लाख, ये तो 1 लाख अलाउड कर रहा है सिर्फ। अब 1 लाख, ये तो 40 मिलियन बोल रहा है ना, तो बहुत पैसा हो गया है, तो $4 करोड़। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसने क्या करना चाहिए? करना है तो कर ही सकते, अब वो किसकी परमिशन लगेगी? और इसने यहां पे कुछ गड़बड़ करता था, इसलिए फेमा भी चढ़ गया उसके ऊपर आके। भाई उसके ऊपर फेमा कैसे हुआ ना? अरे उसको सबने धोया उसको। देखो बाइजूस फेमा वायोलेशन, देख नो एविडेंस ऑफ फेमा वायोलेशन फाउंड, ऐसा लिखा है पर बाइजूस को वहां पे लिखा था नो फेमा वायोलेशन फाउंड सो फार आफ्टर ईडी सर्च दैट बाइजूस। तो फेमा वाले ने भी उसको बजा दिया कि तूने भी, अब क्या था ना बैदी गंगा में सब आप दो थे, ईडी ने धोया, जीएसटी ने धोया, इनकम टैक्स ने धोया। फेमा बोलते मेरा भी कुछ होगा, इसने बात तो कुछ किया ही होगा, मेरा भी देख लो थोड़ा सा। तब क्या होना, ईडी वहां पे गया तो ईडी ने फेमा को बोला थोड़ा देख ले तू भी आ जा, हम तो धो रहे। अब क्या एक रेड होते ना सब रेड होते, तो ये फेमा एक्चुअली उनको कुछ मिला नहीं इसके खिलाफ, ऐसा लिखा है यहाँ पे। बाइजूस बोल रहा है मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैंने कंप्लायंस किए थे, अब कंप्लायंस क्या करना था उसको सीजी को पूछना था। और लास्ट में लिखा है रेमिटेंस फॉर मेंबरशिप ऑफ पीआई क्लब। अब इस सवाल है पीआई क्लब क्या होता है? अरे यार ये है पीआई क्लब, देख लीजिए
ये तो प्रोटेक्शन एंड इंडेमिटी इंश्योरेंस बोलते हैं उसको, इसको बोलते PI, इज अ फॉर्म ऑफ म्यूचुअल मैरिटाइम इंश्योरेंस। आपको ये पता समझता है क्या, मरीन का मतलब क्या, पानी के अंदर अगर आपकी जहाज डूब गई, टाइटैनिक हो गया आपका, तो आपको कौन इंश्योरेंस देगा? आप मरोगे, आपका माल मरेगा, आपका जहाज डूब जाएगा, पैसे कौन देगा? तो उसके लिए मरीन इंश्योरेंस करा था। बोलते वेयर इज मरीन इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड्स हल एंड मशीनरी कवर फॉर शिप ओनर्स एंड कार्गो, कवर फॉर कार्गो ओनर्स। PI क्लब प्रोवाइड्स कवर फॉर ओपन एंडेड रिस्क दैट ट्रेडिशनल इंश्योरर आर रिलक्टेंट टू इंश्योर। टिपिकली PI कवर्स इंक्लूड्स, क्या PI क्लब का मतलब क्या है? प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी इंश्योरेंस बोलते हैं उसको PI। ओके, तो इससे मतलब आपकी, आपका प्रोटेक्शन हो रहा है ना PI क्लब से। तो करियर थर्ड पार्टी रिस्क फॉर डैमेज कॉज टू कार्गो ड्यूरिंग कैरेज, वॉर रिस्क, अगर मान लो इनका वॉर हो रहा हो, किसने उसके शिप के ऊपर बम डाल दिया, तो वो PI क्लब आपको इंश्योरेंस देगा। आपकी जहाज डूब गई तो वो पैसे देगा, इंश्योरेंस है। एंड रिस्क ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज, मान लो आंधी तूफान कुछ आ गया, आपका जहाज डूब गया, ये सारे अगर आप PI क्लब के मेंबर बन गए तो आपको ये सब सुविधा मिलती है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये हमारे किताब में कि रेमिटेंस ऑफ मेंबरशिप, अगर आप PI क्लब की ओनरशिप में इंश्योरेंस ले रहे होंगे तो आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आपको CG को पूछना पड़ेगा। PI इज नथिंग बट प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी। अगर आप जहाज आपके ले जा रहे हो, डूबने का खतरा है, तो PI का इंश्योरेंस लोग लेते हैं। ओके, अंडरस्टूड गाइस? अच्छा, आपको पता है कॉन्सेप्ट में हो क्या रहा? प्रॉब्लम कुछ नहीं, बहुत छोटा छोटा सा है, पर ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया ना, उसको देखना पड़ रहा हो क्या बोल रहा है। अब जैसे देखो यहां पे क्या लिखा है, देखो पहला तो इजी था, कल्चरल टूर। दूसरा क्या लिखा है कि भाई यहां पे लिखा है कि आप प्रमोशन करो, मार्केटिंग करो, हाँ इंडिया के बाहर जाके अलाउड है, पर यहां पे ये सब करे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। टूरिज्म करो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का कोई, आप IPO का कुछ उधर एडवर्टाइजमेंट करे, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जब हमने पॉइंट नंबर 3 देखा, उसमें हमें पहले समझना पड़ा वो क्या बोल रहा है। वेसल, पहले तो आपको मुझे वेसल दिखाना पड़ी, फिर आपको बताना पड़ा PSU क्या है, फिर वेसल का किराया, अगर PSU दे रहा है तो उसके लिए CG की परमिशन, फिर आपको क्या पड़ा है, ओशन, यानी कि अगेन वो वेसल से कुछ आ रहा है, समंदर के माल से कुछ आ रहा है, और उसके लिए कौन पैसा दे रहा है? गवर्नमेंट। आपकी बार उसे किराया नहीं दे रहा है ये, अरे भाई ये फ्रेट है, ये फ्रेट नहीं है, ये पूरा इंपोर्ट का पैसा है, इंपोर्ट का पैसा नहीं दे सकता गवर्नमेंट अगर CG को नहीं पूछा। अब बताओ मल्टी मॉडल के लिए, मैं आपको मेरे स्टूडेंट का एग्जांपल दिया कि आप बहुत सारे जगह पे इंडिया के बाहर के एजेंट से कांटेक्ट करते हो, तो उसका भी कुछ देना है उनका, तो वो भी CG को पूछ के देंगे। फिर मैंने आपको यहाँ पे Jio के बारे में बताया कि Jio का देखो कश्मीर तक लाइन है, उसके बाहर लाइन नहीं है, फिर अगर आपको कॉल करना है तो फिर Jio के क्या करना पड़ता है, ये सबको पैसे देना पड़ते हैं। तो मैंने आपको ट्रांसपोर्टनर का कॉन्सेप्ट बताया क्या होता है, फिर तब जाके आपका कॉल लगता है, तो उसके पैसे भी CG के हिसाब से होंगे। रेमिटेंस ऑफ क्या, कंटेनर, ये कंटेनर यानी कि मैंने आपको अडानी का एग्जांपल दिया, अडानी पोर्ट पे कोई रेंट देना पड़ रहा होगा, तो कितना रेंट दे सकते हैं, जितना डायरेक्टर जनरल कह रहा है, उसके ऊपर जाना तो CG को पूछना पड़ेगा। और फिर यहां पे मैंने आपको बाइजूस का एग्जांपल दिया, और लास्ट में क्या बोला मैंने, PI क्लब। ये सब अलाउड है कि नहीं अलाउड है? अलाउड है, नहीं अलाउड है? अलाउड है ओनली आफ्टर टेकिंग द परमिशन फ्रॉम। और अब क्या है पता है क्या, आपको यहां पे एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, ये सब कुछ, ये देखो, ये अंडरलाइन द वर्ड गाइस, यहां पे लिखा है इंडिविजुअल्स कैन अवेल फॉर फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी फॉर द फॉलोइंग पर्पजेस विद इन द लिमिट ऑफ USD 2.5 लाख। और पता है कि इसमें इतना सारा अमेंडमेंट आ गया, और बहुत अच्छा हुआ, पहले बड़ा वाहियात था ये हर एक के लिए भी अलग अलग चीजें लिखी थी। आप बोल रहे हैं कि कोई भी ये Schedule 3 के अंदर अगर आप जाना चाहता है तो उसको $2.5 लाख हम लोग देंगे एक साल का, अगर वो किसके लिए जा रहा है। पर ये एक्सेप्ट नेपाल भूटान क्यों लिखा है, वहां पे तो वैसे भी INR अलाउड है ना, तो कोई बात ही नहीं है, वहां पे थोड़ी ना आपको USD लगता है। तो प्राइवेट विजिट करने गए तो कितना पैसा लगेगा एक साल में? अरे इंडिया के बाहर जाओगे तो कितना पैसा लेंगे? $2.5 लाख, यानी कि लगभग 2 करोड़ रुपए इंडिया से ले जाना पर पर्सन पर ईयर अलाउड है। आपके परिवार में 4 लोग हैं तो कितना ले जाओगे? 8 करोड़ रुपए आप INR देना, वो आपको डॉलर्स देंगे। क्या कौन से काम के लिए? प्राइवेट विजिट। आप इंडिया के बाहर किसको गिफ्ट देना चाहते हो?
ऐसा हो सकता है हम इंडिया के बाहर किसी को गिफ्ट दे, डोनेशन दे, इंडिया के बाहर जॉब करने जाए? एक बात बताओ, इंडिया के बाहर जॉब करने जाएंगे तो पैसे क्यों लगेंगे? सर अरे पैसे स्टार्टिंग में जाके कुछ घर फ्लैट वैट लेंगे तो कुछ ऐसा थोड़ी ना होगा कि यार थोड़ा बहुत पैसा लग सकता है। इमिग्रेशन समझता है? इमिग्रेशन इमिग्रेशन यानी कि परमानेंटली अब इंडिया से शिफ्ट होकर उधर जाते, इमिग्रेट। इमिग्रेशन वर्ड नहीं सुना कभी? माइग्रेशन, पूरा माइग्रेट हो जाते हो आप। देखो इंडिया के बाहर घूमने जाना, वो वापस आएगा इंडिया में, ये इमिग्रेट वापस नहीं आते, ये शिफ्ट हो रहे अच्छी तरह से। मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव अब्रॉड, इंडिया के बाहर आपका कोई तो क्लोज रिलेटिव, आपके मम्मी पापा रहते हैं, आपके बच्चे रहते हैं, आप उनके लिए पैसे भिजवाते हो यहां से। अब कल चाहिए आप जाओगे, आपके पेरेंट्स यहां से पैसा देंगे आपको, तो अलाउड है ना, ये सब अलाउड है। पर यहां पे क्या लिखा है, $2.5 लाख तक ले सकते, इसके ऊपर जाना है तो आपको आरबीआई को पूछना है। सर मतलब आप बताओ, गिफ्ट $2.5 लाख का, इमिग्रेशन $2.5 लाख का, यह सब मिला के, पूरा मिला के $2,50,000 सब मिला के। ट्रैवल, आपको ट्रैवल करना है जाओ, इंडिया के बाहर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अटेंडिंग कॉन्फ्रेंस के लिए जा सकते हो आप, मीटिंग के लिए जा सकते हो, आपका कोई मेडिकल चेकअप है, चेकअप है अब्रॉड फॉर अकंपनिंग एज अटेंडेंस। अच्छा ये भी एक अच्छी बात लिखी, बहुत लोग अपने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, लंग ट्रांसफर के लिए इंडिया के बाहर जाते हैं, वो साथ में देखो अमेरिका चेकअप अब्रॉड और फॉर अकंपनिंग एज अटेंडेंट टू अ पेशेंट गोइंग अब्रॉड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट चलेगा। आप भी जा सकते हो, आपके साथ में एक आधे कोई नर्स वगैरह ले जाना है तो वे ले जा सकते हो, चलेगा। अरे पेशेंटों को नर्स क्या, वहां पे एयर होस्टेस थोड़ी ना ले जाएंगे, पेशेंट के साथ में क्या होगी भाई, कमाल कर रहे हैं। आपको इंडिया के बाहर स्टडीज करना है, अलाउड कर रहे हैं, $2.5 लाख तो कितना भी उड़ा सकते हो। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड चल सकता है? अरे यार मेडिकल ट्रीटमेंट अलाउड है सर, जो ऊपर लिखा था, अरे पहले तो ट्रैवल के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा था ना, ट्रैवल भी अलाउड है, ट्रीटमेंट भी अलाउड है, यानी कि इंडिया से बाहर जाना है आपको, एयरलाइन का टिकट का पैसा भी उसके अंदर आ जाएगा, उधर जो डॉक्टर के पैसे लगेंगे वो भी आ जाएंगे, एनी अदर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, एनी एडिशनल रेमिटेंस इन एक्सेस ऑफ सेड लिमिट फॉर द पर्पस अबव शैल रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ अंडरलाइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अंडरलाइन द वर्ड, यानी कि अभी तक जो 9 पॉइंट्स देखे हैं वो 9 पॉइंट्स के लिए आपको $2.5 लाख लगेंगे, उसके ऊपर अगर आपको पैसे लग रहे हैं तो आपको आरबीआई की परमिशन लगेगी। इसका अर्थ नहीं, आप एग्जाम्पल किसी को एडमिट करवाया, आप 1.5 करोड़ लेकर गए थे, अब लगे और वो बोल रहा है कि नहीं उसको 2 करोड़ और लगेंगे, अब नाउ यू आर अंडर प्रेशर कि भाई ये तो आप कैसे कर, पेशेंट तो उधर है और वो बोल रहा है कि इधर तो ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगी, पहले पैसे मंगवाओ और आपका लिमिट एग्जॉस्टेड है, तो आरबीआई के पास जाओ, आरबीआई को बोलो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, ये देखो उधर का डॉक्टर का स्टेटमेंट, ये रहे उधर का प्रिस्क्रिप्शन और डॉक्टर ने क्या बोला, ये अर्जेंट है, आरबीआई बोले ओके फाइन 2 या 5 लगा दो बिकॉज जरूरी है। ये वो नहीं बोल रहे अलाउड नहीं है, अलाउड है, एग्जामिनेशन में पूछेंगे कोई पेशेंट को इतना पैसा लगाओ क्या करेंगे, अलाउड है भाई, ओनली $2.5 लाख तक तो पूछना भी नहीं, उसके ऊपर जाना पूछ के काम कर सकते हैं आप। अभी कोई इसका एजुकेशन है, उधर की यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा फीस है, आप बोल रहे 2 करोड़ में काम नहीं हो रहा है, एजुकेशन का तो करना ही है, तो आरबीआई को बोलो जरा। अब आरबीआई क्या बोलेगी, आपको उधर पैसा यूनिवर्सिटी का लेटर लाओ, प्रिस्क्रिप्शन लाओ, आई मीन क्या बोलते हैं उधर का, क्या बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन बोल रहा हूं, कुछ तो बिल लाओ, रिसीट लाओ, मेरे को पता भी तो होना चाहिए तुम पैसे किस में उड़ा रहे हो, अगर उनको लगता है जेन्यून है तो आरबीआई बोलेगा और दे दो इसको। However, for the purpose mentioned in what? किस में लिखा है, 4, 6, 7। अब 4 क्या है, इमिग्रेशन, 6 क्या है, ट्रैवल, 7 क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट। द इंडिविजुअल में अवेल फॉर द एक्सचेंज फैसिलिटी फॉर एन अकाउंट एक्सेस द लिमिट प्रिस्क्राइब अंडर द LRS डेटेड 3 May 2000 इफ इट इज सो रिक्वायर्ड बाय कंट्री ऑफ इमिग्रेशन मेडिकल रिस्पेक्टिवली। क्या बोल रहे, अलाउड करें नहीं करेंगे, अबाउट द इंडिविजुअल में अवेल एक्सचेंज फैसिलिटी फॉर एन अमाउंट एक्सेस ऑफ द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड, ये सब लिख रहा है वो, समझा क्या नहीं, अब बोल रहा है कि इन 3 पर्पस के लिए हम लोग $2.5 लाख से भी ऊपर जा सकते हैं, पर आपको क्या लेना पड़ेगी, आरबीआई को प्रूफ दिखाना पड़ेगा। फर्दर इफ द इंडिविजुअल रिमिट्स एनी अमाउंट अंडर LRS स्कीम इन द फाइनेंशियल ईयर देन द एप्लीकेबल लिमिट फॉर सच इंडिविजुअल्स वुड बी, अरे कितना नॉनसेंस पॉइंट है,
ओवर आप पहले घूमने गए थे, घूमने गए थे आप, तो आपका वहां पे $100,000 उड़ा दिया, अब कितना बचा? अब 4 महीने में तो आप बोल रहे हैं कि मेरा ट्रीटमेंट करना है मेरे को, बाहर के डॉक्टर चाहिए, तो आपको 2.5 लाख मिलेंगे, 1.5 लाख मिलेंगे? 1 लाख आपको एक साल में 2.5 लाख, वो आपका अकाउंट बनाते कितना कितना, 1 लाख ले लेगा, 1.5 लाख बचे, और 50,000 लेके आप 1 लाख बचे, तो एक साल में अपने 2.5 लाख खत्म करना है। हर बारी के 2.5 लाख नहीं है, अब हर 3 महीने बोलेंगे 2.5 लाख रुपए, ऐसा नहीं। एजुकेशन के लिए आप बोलेंगे 2.5 लाख, मेडिकल के लिए 2.5 लाख, ये भी अलाउड नहीं है, आप सुन के लो सारी बात है। मेडिकल, एब्रॉड में घूमना, एजुकेशन या कुछ भी ट्रैवल करना है, बोलो भाई सब मिला के 2.5 लाख है ये, हर बारी का 2.5 लाख नहीं है, और वो भी ये 2.5 लाख जीवन भर का नहीं है, एक साल का है, अगले साल और नया 1 अप्रैल को और 2.5 लाख ले जा सकते हो, इज दैट ओके? फॉर दैट, अच्छा आपको ये सारी चीजें क्लियर है? आप मुझे बताओ आज हमने प्रमुख 3 बातें कौन सी सीखी, ये बता दो मुझे क्या क्या पढ़ा है इसमें तीनों में से, जल्दी से बता दो। ये मेरा जो मैंने आपको कहा था ना, मेरे का जो मेन कॉन्सेप्ट है करंट अकाउंट, जो आपकी मदद से आज बहुत जल्दी से हो गया, आप बता दो ये कॉन्सेप्ट क्या है? अरे 3 बातें बताओ जल्दी से, ये क्या बोल रहा है कि आप करंट अकाउंट, ध्यान से देना, अगर आपका ध्यान है तो ध्यान से देख लेना, आप इंडिया में, इंडिया से बाहर कुछ पैसे ले जाने से तो अलाउड है, वो है रूल नंबर 4 और 5, रूल नंबर 3 अलाउड ही नहीं है, रूल नंबर 4 विद द हेल्प ऑफ, एंड रूल नंबर 5 विद द अप्रूवल ऑफ। अब रूल नंबर 3 में कौन सी चीजें हो गई, ये सब चीजें याद रख लियो। इंडिया के बाहर विनिंग का पैसा ले जा सकते हैं, रेस कोर्स का पैसा ले जा सकते हैं, क्या इंडिया के बाहर आप लोग पॉइंट लॉट, अच्छा आपको बाहर की लॉटरी खरीदना पैसे ले जाना अलाउड है? ये क्या लिखा है, कमीशन ऑन द एक्सपोर्ट, अगर आपको इंडिया के बाहर इक्विटी लेना है, स्टेक लेना है, तो आप जाके पैसे ले जाओ प्रॉब्लम नहीं, पर अगर आप उसके लिए माल बेच रहे हो और माल के ऊपर कुछ कमीशन दे रहे हो अलाउड नहीं। ये पेमेंट ऑफ कॉल बैक है, आप मिस कॉल दे रहे हो, कोई कॉल करेगा आपको, आप अपने पैसे बचाने के लिए कुछ ऐसी सुविधा ले रहे हो अलाउड नहीं। नेक्स्ट, रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड, अगर वो डिविडेंड बैलेंस स्कीम में होगा तो डिविडेंड आप नहीं दे सकते हो, डिविडेंड के बदले में आपको कुछ तो माल एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। इंडिया के बाहर डिविडेंड देने का नहीं, अगर वो डिविडेंड बैलेंसिंग स्कीम में होगा तो। आगे, ये इंटरेस्ट ऑन एनआर फंड क्या है? कोई फॉरेनर अगर इंडिया में स्पेशल रूपी स्कीम में पैसा लगा रहा है तो वो इंडिया के अंदर इंटरेस्ट कमाएगा ना, तो इंडिया में रखेगा, इंडिया के बाहर ले जाना अलाउड। अब इसी तरह से आपको रूल नंबर 4 बताना, जल्दी बताओ क्या क्या हुआ इसमें, बोलो जल्दी से। इंडिया के बाहर कल्चर काम करना अलाउड है क्या? अलाउड है विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट। इंडिया के बाहर करना अलाउड है? अलाउड है विद द परमिशन ऑफ। पर 3 बातों के लिए परमिशन भी जरूरी है। अगर टूरिज्म कर रहे हो, इंडिया के बाहर के लोगों को बोल रहे हो इंडिया में इन्वेस्ट करो, आईपीओ ला रहा हो, उसके लिए कितना भी अलाउड है। ये पीएसयू अगर फ्रेट दे रहा होगा, फ्रेट भाड़ा दे रहा होगा, किराया दे रहा होगा विसर का, अलाउड है अगर आपको सीजे हां बोल रहा है तो। ये क्या बोल रहा है? कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर ओशन के थ्रू कोई इंपोर्ट कर रहा है तो वो भी सीजे के परमिशन के थ्रू। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, जो 4 स्टूडेंट का एग्जाम्पल दिया था, तो वो कर सकते अगर सीजे की परमिशन हो तो। ये क्या लिखा है? जियो का एग्जाम्पल दिया था। अरे बोलो यार, जियो अगर इंडिया के बाहर कोई ट्रांसपोर्टर का पैसा दे रहा होगा अलाउड है सीजे के थ्रू। ये क्या बोल रहा है? डिटेंशन, ये अडानी का एग्जाम्पल दिया। अडानी बोलेगा इतना पैसा दे दो, वो पैसा उसको अडानी को मिलेगा, पर ये जो बंदा इंपोर्ट किया उसको किसकी परमिशन लेना पड़ेगी? और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बायजूस का एग्जांपल दिया था, बायजूस कितना भी स्पॉन्सरशिप उधर दे नहीं सकता, उसको किसकी परमिशन लगेगी? और कितना अलाउड है? $1,00,000 अलाउड है, सिर्फ 1 लाख, उसके ऊपर देंगे तो किसकी परमिशन चाहिए? और ये पीआई के क्लब मेंबरशिप अगर ले रहे हो आप मरीन इंश्योरेंस के लिए, तो उसकी भी किसकी परमिशन चाहिए? और लास्ट में क्या पढ़ा हमने अभी? अरे ये पढ़ा ना अभी, हाँ ये तो बहुत ईजी था, बताओ ये सब पॉइंट्स है, एक बार देख लो फिर आप याद कर लेना, एक बार पढ़ लो इसको। इन सब का मिला के कितना अलाउड है? $2,50,000 पर ईयर पर पर्सन, उसके ऊपर जाना तो किसकी परमिशन लगेगी? और आप बताओ क्या क्या बोल रहा है ये? यहां पे तो पहले तो प्राइवेट विजिट, इंडिया के बाहर जाओ कोई बात नहीं, उसके बाद में गिफ्ट देना है कोई बात नहीं, इंडिया के बाहर एम्प्लॉयमेंट करना है, इमिग्रेशन करना है, तो किसी क्लोज रिलेटिव को पैसे देना है, ट्रैवल करना अलाउड है, उसके बाद में आपको इंडिया के बाहर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करना है वो भी अलाउड है, इंडिया के बाहर पढ़ाई करना अलाउड है, और कोई भी अदर ट्रांजैक्शन। अंडरस्टूड? एक बार याद करके बता दो सब, एक बार पढ़ लो। बताओ आपकी जिंदगी में आप पहला काम करोगे कभी? ये प्राइवेट विजिट करेंगे, गिफ्ट दोगे,
एम्प्लॉयमेंट के लिए जा सकते हो, इमिग्रेशन कभी नहीं करोगे, आपके बच्चों को पढ़ाओगे इंडिया के बाहर, डिपेंड्स, ट्रैवल करोगे, एक्सपेंसेस करें, मेडिकल ट्रीटमेंट कभी किसी का करवा सकते हो, पढ़ाई करने बाहर जा सकते हो, आप मुझे बताओ क्या क्या करने के लिए अलाउड है, आप विजिट कर रहे हो, घूमने जा रहे हो, अलाउड है, पढ़ाई करने जा रहे हो, अलाउड है, ट्रैवल करने जा रहे हो, मेडिकल ट्रीटमेंट जा रहे हो, आप अपने बच्चों को भेज रहे हो, उनको पैसे देना है, किसी पेशेंट के साथ में किसको भेजना है, उसका ट्रैवल कुछ करना है, वो अलाउड है, किसी को डोनेशन देना है, अलाउड है, गिफ्ट देना, उसके बाद में और एक बार बताओ, इमिग्रेशन करना है, अलाउड है, उधर एम्प्लॉयमेंट को जाना है, ये सब अलाउड है। देख लो, आई थिंक आपने जो पढ़ा, देखो हम लोग कौन से पेज तक पहुंच गए, 2.17 तक हम लोग पहुंचे, राइट, और इसके बाद में जो भी बचा हम लोग चैप्टर में कल खत्म करेंगे। आई थिंक आपको इस चैप्टर पे है ना, मतलब अंडरस्टैंडिंग तो है ना, ओके गाइस, कल आइए, कल हम लोग इस चैप्टर को और आगे ले जाएंगे। हाँ, चार्ट बुक के लिए मैं बात करता हूं, बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन, कोई लाइव स्ट्रीमिंग डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू मिताली, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय बाय।